Very good morning, all of you. So, we are going to start with the company law class today. Aaj hum log ki company law ki classes jo hai na, wo start ho jayengi. And today is an introduction class on company law. Sir, we did it in the last class. Wo to law ka introduction tha. Hey, Bhagawan. Jo last class hum log padhe the, wo kya tha? Wo law introduction tha. Aur aaj hum log apna company law wo start karne wale. To company law start karne ke pehle, कंपनी एक्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन होगा. पूरा कंपनीज एक्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन. जो हम लोग आने वाला क्लासेस में वर्ड्स यूज करने वाले हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, एजीएम, ईजीएम, सीएम, बीएम, वो सारे शब्दों को आज समझाया जाएगा ताकि फ्यूचर क्लासेस में मेरे को शब्द नहीं समझाना पड़े, प्रोविजन समझाना पड़े. फ्यूचर में हम लोग से बात करेंगे, यहां पर ओआर लगा, वहां पर एसआर लगा, वहां तुम बीआर लगा दे. एक बच्चा बोलेगा ठीक है, बट ये ओवर है क्या मतलब? तो ऐसा मेरे साथ ना हो, इसीलिए ये आज ढाई घंटा का प्रॉपर एक कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा. ठीक है, 2.5 आवर, 2 घंटा 35 मिनट का रहेगा. एकदम निश्चिंत होकर के आप आराम से सुनते जाइए. अच्छा, इसके पहले अपने लॉ का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे और आज हम लोग का कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, आज के बहुत जन का मुझे ट्यूशन होगा मेरे ख्याल से, तो समय पर छोड़ दिया जाएगा, उसका टेंशन ना लें, वो मेरा टेंशन है. अब घड़ी मत देखते रहे, समझाया? ठीक है, 2 बजे ट्यूशन है तो आई विल रेस्ट्रिक्ट माय क्लास टिल 1:35, ठीक है, ताकि आप आराम से पहुंच सके. चलो 1:30, अब ध्यान तो लगा लो. कितने बच्चे लॉ का जो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने डिस्कस किया था वो पढ़ करके आए हैं? पढ़ करके आए हैं, फुल एंड फुल एंड. हम खाली आईना दिखाना चाहते हैं, एक बार आईना में आता है ना, हिंदी में बोले तो औकात. एक बार औकात जो है ना वो लोगों को अपना पता चले. फुल एंड, जिन लोग एक बार पढ़ करके आए, जो इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कशन हुआ था लास्ट वीक, पढ़ करके आए, फुल एंड. और गॉडेस सरस्वती इज वॉचिंग, एकदम झूठ मत बोलना. और अभी पता है ना कल ही पूजा हुआ, एकदम भयानक एनर्जी रहेगा. फुल एंड, जिन लोग पढ़ करके आया. अच्छा, जिन लोग नहीं पढ़ करके आया, अरे क्या फुल एंड नहीं पढ़ करके, हाथ उठाओ. झूठ बोलोगे कम से कम 5 टर्म लगेगा पास होने में, और मेरा बात लगता है बता दे रहे हैं. पूरा दुड़ाओ, फुल एंड फुल एंड, मोर हैंड्स. सो 25% ऑफ द बैच, अ क्वार्टर ऑफ द बैच इज सच, जिन लोग पढ़ करके नहीं आया. तो मतलब इन लोग क्या है ना, मतलब लाइफ में सीरियसनेस का कमी है. अभी तो बाद बाकी ट्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब एक दिन में चाचा ट्यूशन करोगे तभी भी पढ़ करके आना पड़ेगा. और जिन लोग पढ़ करके आए, कौन सा हाथी घोड़ा कर लिया, इंटेंशन सही था. पूछिए उनसे कितना देगा, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट. किन लोग पढ़ करके आए, हाथ उठाओ, कितना देर लगा? हाँ, बट 5 मिनट एक करके तुम वो 2 घंटा का मेमोरी जो है ना वो रिकलेक्ट कर लिया. बाय गिविंग दोस 5 मिनट्स यू हैव रिकलेक्टेड 2 आवर्स. इसको बोलते हैं सीरियसनेस. अब अगर तुम्हारे लाइफ में अगर 5 मिनट भी नहीं है इस सब्जेक्ट को देने के लिए, तब छोड़ दो सब्जेक्ट. एग्जाम में खैरात नहीं मिलेगा कि फ्री में पास हो जाओगे, मेहनत करना पड़ेगा. तो अगर अभी से ये एटीट्यूड है और यही अगर करना है, तब तो मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखवा लो, ऐसे बच्चे जो है ना पास नहीं करेंगे. हम स्टैम्प पेपर में लिखने को तैयार हैं. 5 मिनट भी अगर नहीं है तो सुबह जो अनप्रोडक्टिव काम करते हो उस समय जो है ना 5 मिनट निकाल लो. अनप्रोडक्टिव काम करते हैं ना बहुत सारे आप लोग, उसमें 5 मिनट लेकर के बैठो किताब. अगर 5 मिनट भी नहीं है जीवन में, सो मेक श्योर लॉ का नेक्स्ट क्लास में आने के पहले हमेशा पिछला क्लास का एक बार पढ़ करके आओगे, नहीं तो पिछला क्लास फिर से करवाएंगे अलग से वीडियो रूम में भेज करके. पनिश और क्या करेंगे, बच्चा तो मेरा ही है. तो जब तक पिछला क्लास उसको ठीक नहीं हो जाता, बार बार वही वाला क्लास करवाएंगे और हम लोग का सिलेबस बाद बाकी लोग का आगे बढ़ेगा. एक बार चेक करके बताओ वर्चुअल रूम्स. भयानक स्ट्रिक्ट रहने वाले हम बता रहे हैं पढ़ाई के मामले में. ऐसे तुमको जो करना करो, मेरे को मतलब नहीं है, बट जो पढ़ा दिया गया है वो तुम्हारे मुंह पर रहना चाहिए. पढ़ा दिया गया मतलब खाली पिछला क्लास वाला नहीं, 10th क्लास में भी तुमको 1st क्लास का मैटर याद रहना चाहिए. क्यूम्युलेटिव रिविजन करोगे, क्यूम्युलेटिव रिविजन मतलब 1st क्लास कर लिया, 2nd क्लास में आने के पहले 5 मिनट रिविजन किया. हम भी करवाएंगे,
हम भी हर क्लास में 5-10 मिनट रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि जितना बार लॉ रिवाइज करोगे ना उतना स्ट्रांग होगा तुम्हारा लॉ। तुमसे कोई भी प्रोविजन पूछेगा तुम बिना बुक रेफर किए बोल सकोगे, दैट शुड बी द टारगेट। बुक खोल करके तो कोई भी बता देगा, बिना बुक खोले बताना है। वैसे ही तीसरा क्लास में जब तुम रिवीजन करोगे ना, पिछला दो क्लास का एक बार फटाफट रिवीजन करो, फिर तीसरा क्लास का रिवीजन करो, समझ गए सर? क्यूम्युलेटिव रिवीजन। वर्चुअल्स ऑल सेट, कौन कौन सा? 2 and 4 ऑल सेट, ओके। और रिजल्ट सबको पता ही है, मैसेज चला गया होगा मेरे मैनेजमेंट की तरफ से। वी हैव बैक टोटल 8 ऑल इंडिया रैंक्स फेस टू फेस कैलकटा में, कैसा है? और खाली रैंक से फर्क नहीं पड़ता, जो मास का रिजल्ट आता है ना उससे फर्क पड़ता है। मतलब हम तो मतलब इस बार इतने खुश हुए, इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रेशर भी था जबरदस्त, इतना सारा वीडियोस बना था इंस्टीट्यूट के ऊपर, हम लोग का सी इंस्टीट्यूट के ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि रिजल्ट अच्छा ही लाना है। तो ना लॉ और ऑडिट में भी मतलब एक एवरेज स्टूडेंट का नॉर्मली 55 ये सब आता था, 70 नंबर आया है। लॉर्ड एक्सीडेंट अभी भी हुआ है, जो 8 रैंक होल्डर है ना उसमें से एक रैंक होल्डर ऐसा था जिसका हम सोच करके रैंक 1 या 2 या 3 पक्का है, बट उसको जो है ना थ्योरी सब्जेक्ट में एवरेज करके जो है ना नक्की कर दिया। उसका रैंक आया है बट हम थोड़ा और बेटर रैंक सोचे थे, उसका रैंक 32 आया है, ठीक है, अनंत का। हम उसका और बेटर रैंक सोच रखे थे अनंत कोठारी का, तो उसका 32 आया, बट खैर रैंक 16 है, टोटल 8 रैंक है, रैंक 16 है, फिर 32 में 2 रैंक है, ठीक है, और रैंक बहुत सारा है, ठीक है। हम सोचे थे वो 8 रैंक होल्डर को तुम लोग का बैच में बुलाने के लिए, बट तुम लोग का बैच क्या है ना अभी बहुत नया है, तुम लोग क्या करोगे क्या? यू आर नथिंग बट अ फाउंडेशन स्टूडेंट राइट नाउ। नहीं सर पास हो गए तो फाउंडेशन पास बचे तो पूछोगे क्या? तो सीए इंटर जिन लोग का भी मेन अटेम्प्ट है ना, मेरा उन लोग का लॉ वगैरह का सिलेबस खत्म हो गया है, ऑडिट का एक रिविजन क्लास बाकी है, तो ऑडिट का रिविजन क्लास में उन लोग को जो है ना 8 रैंक होल्डर को बुलाएंगे। ऐसे उन लोग आकर के मिल करके चला गया है, बट एक नहीं होता है क्या 8 रैंक होल्डर एक साथ, और फिर जनता जो क्वेश्चन पूछ सके तो जनता के सामने जनता की अदालत में बच्चे जो है ना क्वेश्चन पूछ सकेंगे उन लोग से। बट तुम लोग क्वेश्चन क्या पूछोगे, कोई आइडिया ही नहीं है तुम लोग को भी सब्जेक्ट्स का, तुम्हारे साथ क्या होने वाला तुमको कोई आइडिया ही नहीं है। और जिन लोग का मई में एग्जाम है उन लोग के साथ तो जो होना था सब हो चुका होगा, तो उन लोग सही क्वेश्चन पूछोगे एंड दे डिजर्व इट। मतलब मई 19 वाले बच्चे जो है वो डिजर्व करते हैं कि नवंबर 18 के रैंक होल्डर से मिलना। तुम लोग डिजर्व करोगे मई 19 के रैंक होल्डर से मिलना, ठीक है बढ़िया। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाइए। हाँ हम बोल रहे थे एवरेज स्टूडेंट्स का भी जो है ना इस बार 70 के ऊपर जो है ना लॉ ऑडिट में भर के नंबर आया 70 के ऊपर। मतलब ऑडिट में इन लोग नंबर देता नहीं था पिछला टर्म तक, बट इस बार तो जो नंबर दिया है बॉस मतलब कमाल कर दिया, मतलब दिल खुश कर दिया। सो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे पढ़ो तुम्हारा भी नंबर आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहो लाइफ में, नेगेटिविटीज हर जगह रहेगा, तुमको क्या करना है नेगेटिविटी को इग्नोर करके ऑलवेज पॉजिटिव रहना है एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। चलो हाँ, तो लॉ का जो इंट्रोडक्शन था वो तो अपने लास्ट क्लास कर चुके थे। दोस्तों लॉ क्या है, हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, तो उसी में हम लोग को लगभग मेरे ख्याल से 2.5 घंटा लग गया था खाली ये पढ़ने के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ बनता कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। तो लॉ के अंदर 6 चीज आते हैं, हम लोग डिस्कस किए थे क्या? लॉ के अंदर 6 चीज आता है दोस्तों, एक सेकेंड, लॉ के अंदर एक्ट आता है क्या? एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में बनता है इनकेस ऑफ सेंट्रल लॉ, एंड इनकेस ऑफ स्टेट लॉ स्टेट लेजिस्लेचर, इनकेस ऑफ सेंट्रल लॉ पार्लियामेंट एंड इनकेस ऑफ स्टेट लॉ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? रूल्स जो है वो गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो एक्ट और रूल्स में अपने फर्क भी पड़े थे, एक्ट इज पास इन द पार्लियामेंट, एक्ट पास इन द पार्लियामेंट, रूल्स आर मेड बाय गवर्नमेंट, एक्ट इज इंडिपेंडेंट, जो चाहे बना दो बट रूल डिपेंड ऑन द एक्ट, क्योंकि एक्ट में अगर कहीं पर लिखा हुआ है एज मे बी, अगर एक्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ है एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो केवल वही चीज जो एक्ट में लिखा हुआ है एज मे बी प्रेस्क्राइब दैट कैन बी प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। रूल्स कैन नॉट प्रेस्क्राइब एनीथिंग, रूल्स कैन प्रेस्क्राइब ओनली दोज थिंग्स विच आर मेंशन इन द एक्ट, समझ गए सर? कि रूल डिपेंड्स ऑन द एक्ट, एक्ट पहले बनता है कि रूल्स? तो एक्ट इज अ प्राइमरी लेजिस्लेशन, रूल बाद में आता है, तो रूल इज अ, हाँ एक्ट इज अ प्राइमरी लेजिस्लेशन,
रूल्स आर सेकेंडरी लेजिस्लेशन. ओके दोस्तों, एक्ट प्राइमरी है, रूल्स सेकेंडरी है. एक्ट कमेंट करने के लिए फिर से एक एक्ट पास करना पड़ेगा. रूल कमेंट करने के लिए एक्ट नहीं पास करना है, सीजी कर देगा. ठीक है, अगर सेंट्रल लॉ और एसजी तो स्टेट लॉ. अच्छा, एक्ट इज मोर डिफिकल्ट टू पास बट रूल्स आर वेरी इजी टू पास. ये पांच डिफरेंस अपने बात किए थे एक्ट और रूल्स के बीच में. ठीक है, फिर अपने बात किए थे ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस तभी पास किया जा सकता है दोस्तों व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग. व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग देन ओनली द ऑर्डिनेंस कैन बी पास बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी. ठीक है, सेंट्रल लॉ है तो प्रेसिडेंट और स्टेट लॉ है गवर्नर. ये परमानेंट लॉ है क्या कि टेम्पररी लॉ? पक्का? अब जो नहीं पढ़ करके आया है, देखो, हाँ तुम पढ़ करके नहीं आया हो ना, बताओ ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहेगा? ऐसे नहीं, इंग्लिश में एग्जाम में आपको किस में लिखना है तो मेरे को जब भी आप आंसर करोगे इंग्लिश. ऑर्डिनेंस विल बी वैलिड फॉर 6 वीक्स. ठीक है, अभी याद है, भले ही पढ़े नहीं है बट अभी याद है क्योंकि अभी एक ही क्लास हुआ है. बच्चा बोला देखे नहीं पढ़ा फिर भी तो याद है. एक ही क्लास हुआ इसलिए ज्यादा उड़ो मत. सुनाया? जैसे बोल रहे हैं ऐसे पढ़ो. क्यूम्युलेटिव रिवीजन करोगे, क्या करोगे? हाँ तो सुनो, मतलब अगर तुम क्यूम्युलेटिव रिवीजन कर लिया ना, बता रहे 80 पार कर जाएगा, 80 पार. और क्यूम्युलेटिव रिवीजन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. चीज समझो, तुम फर्स्ट टाइम रिवीजन किया तेरे को ज्यादा टाइम लगा, दूसरा क्लास जब हुआ, अब जब तुम दो क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, पहला क्लास का रिवीजन में 5 मिनट मत देना, उससे कम देख लेना है, हाँ सब दिमाग में है. फिर सेकंड क्लास का रिवीजन कर लिया, फिर जब 3 क्लास हो गया, पहला 2 क्लास का रिवीजन में और कम टाइम लगेगा, खाली देख लेना, हाँ सब दिमाग में, सब याद है, नहीं समझ आया. फिर 3 क्लास का रिवीजन किया. इस तरीके से तुम देखोगे, तुम इतना बार रिवीजन कर लोगे लॉ कि तुमको एग्जाम के एक दिन पहले जो है ना, तुम कम से कम 3-4 बार रिवीजन करके जाओगे, तब तुम्हारा जो है ना सपना वो 80 प्लस का पूरा हो सकेगा. ओके दोस्तों, तो बच्चा ने बिल्कुल ठीक बताया कि ऑर्डिनेंस जो है वो कितना हफ्ता तक वैलिड रहेगा? 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग. 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग. ठीक है, मतलब इफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन डिफरेंट डेट देन विच एवर इज लेटर से 6 हफ्ता. मक्खन एकदम श्योर? अच्छा, फिर हम लोग बात कर, एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, रेगुलेशन एंड बाईलॉ. रेगुलेशन एंड बाईलॉ में कॉमन पॉइंट क्या पता है? कि ये दोनों लॉ रेगुलेटरी बॉडी पास करता है. एक रेगुलेटरी बॉडी का एग्जांपल दो. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच वॉज एस्टेब्लिश बिकॉज ऑफ सेबी एक्ट. सेबी एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ जिसके कारण एक रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम है सेबी वो एस्टेब्लिश हो गया. अब सेबी स्टॉक मार्केट के लिए जब लॉ बनाएगा, सेबी जब स्टॉक मार्केट के लिए लॉ बनाएगा, सेबी स्टॉक मार्केट के लिए लॉ बनाएगा तो रेगुलेशन. और सेबी जब सेल्फ गवर्निंग लॉ बनाएगा बाय लॉ. पक्का? सेबी जब दूसरों के लिए कानून बनाएगा, रेगुलेटरी बॉडी दूसरों के लिए बनाएगा तो रेगुलेशन, खुद के लिए बनाएगा तो बाय लॉज. फिर अपने बात की थी ऑर्डर, ऑर्डर पास बाय द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज हु हैव बीन गिवन द पावर. ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बताए थे, कंपनीज एक्ट में जब पेनल्टी फिक्स करना रहता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिक्स करता है. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो पेनल्टी फिक्स, तो वो भी क्या है उसका लॉ. पक्का? तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर. अच्छा, पेनल्टी और फाइन में क्या फर्क है? कोई भी बच्चा बताओ, बॉय बैठे बैठे बताओ बेटा, पेनल्टी फाइन में क्या फर्क है? हुस. डिफरेंस ही तो बेटा, पेनल्टी और फाइन में एक ही डिफरेंस है. फाइन जो वो प्रीफिक्स रहता है, पहले से डिसाइडेड रहता है. फाइन्स आर ऑलवेज प्री डिसाइडेड, पेनल्टीज आर नॉट प्री डिसाइडेड. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसको फिक्स करता है. फाइन तो ऑलरेडी क्या रहता है? डिसाइडेड. पेनल्टी डिसाइडेड रहता है कि एओ उसको फिक्स करता है. पक्का? तो फाइन जो है वो एओ नहीं फिक्स करता, ऑलरेडी एक्ट में लिखा हुआ है. पेनल्टी एक्ट के अंदर लिखा हुआ नहीं है, वो उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो फिक्स करता है. यही फर्क है फाइन और किसमें? पेनल्टी में. श्योर बॉयज एंड गर्ल्स? वेरी श्योर? ओके, फिर हम लोग बात किए थे मशीनरीज. वी टॉक्ड अबाउट मशीनरीज ऑफ लॉ.
हम लोग बात किए थे मशीनरीज ऑफ लॉ बोलो या बॉडीज ऑफ लॉ बोलो, ठीक है, देयर आर थ्री मशीनरीज और बॉडीज ऑफ लॉ, देयर आर थ्री मशीनरीज और बॉडीज ऑफ लॉ. सुनो ना, एक होता है लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव बॉडी पता है क्या करता है? लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ को बनाता है. लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियल. लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल. लेजिस्लेटिव बॉडी इज देयर टू मेक द लॉ. लेजिस्लेटिव बॉडी इज देयर टू मेक द लॉ. दैट इज जस्ट लाइक पार्लियामेंट. पार्लियामेंट बिलोंग्स टू द लेजिस्लेटिव बॉडी एटसेट्रा. एग्जीक्यूटिव बॉडीज रोल इज टू इंप्लीमेंट, टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू इंप्लीमेंट द लॉ, टू एग्जीक्यूट द लॉ. That is Ministry of Corporate Affairs and different ministries of government. And judicial body is to interpret the law and pass judgment. To interpret the law and pass judgment. That is courts. So legislative kya karega? Legislative banayega. Executive implement karega. Judicial faisla sunayega. Yahan tak hum log law ka basic sikh chuke the. Okay. Kya cheez? Legislative, executive, judicial tak ka baat ho chuka tha na yahan tak? ओ बाबा, आर्टिकल 246 भी बढ़ा दिए थे क्या? अरे कमाल कमाल. अच्छा, कोई इवनिंग बैच का स्टूडेंट यहां पर आया है क्या? अभी जो उसने इवनिंग में क्या देखो, तो तुम लोग को आर्टिकल 246 बढ़ा दिए थे क्या? बराबर था ना? तब ठीक है. आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेड विथ शेड्यूल नंबर 7. सो आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेड विथ शेड्यूल नंबर 7. देखो, तुम कहीं पर भी, ठीक है, बहुत जन का लॉ का फर्स्ट क्लास हो चुका होगा या होगा, जब भी हो तुम हमेशा कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, तुमको हमेशा ज्यादा नॉलेज मिलेगा, एक बात याद रखना. और अगर कोई गलत पढ़ाएगा तो मेरे को आकर के बता देना, हम उसको ऑफिशियल गेटे के थ्रू साबित कर देंगे. ऐसा होता है, हम बता रहे हैं. समझ आया? बट तुम आगे रहना, तुम इन्फीरियर मत हो जाना, तुम हमेशा सुपीरियर रहोगे. समझ आया? अभी जैसे आर्टिकल नंबर 246 फाइनल वाइनल भी क्लियर हो जाता है ना, लोगों को पता नहीं रहता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल नंबर जो है वो लॉ के बारे में बताता है. तो सर आपको कैसे पता? रिसर्च, रिसर्च एंड सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिट आल्सो गोज टू सीएस, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. सीएस में एग्जीक्यूटिव और फाइनल मिला करके 1400 नंबर का लॉ है. 1400 मार्क्स एग्जीक्यूटिव और फाइनल मिला करके 1400 नंबर का लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अलग से उन लोगों को पूरा पेपर पढ़ना पड़ता है. नहीं समझ में आया? तो बीइंग अ सीएस फैकल्टी, समझ में आया? तो पूरा वो जो 1400, मतलब आप समझो लॉ का जो टीचर है उसके लिए तो जितना लॉ वो पढ़ सके उतना बढ़िया. तो 1400 नंबर का जो लॉ है ना, उसमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर है. सीए में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, सीए में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है. यू अंडरस्टैंड? तो ये सब जो एडवांटेज है ना, तुमको अलग से मिल जाएगा. अब क्या ये तुमको लॉ के लिए जानना जरूरी नहीं है कि कहां लिखा हुआ है कि कौन कौन सा लॉ बनाएगा, कौन कौन सा लॉ बनाएगा? ये लिखा हुआ आर्टिकल नंबर कौन सा? 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेड विथ शेड्यूल नंबर 7. ठीक है, लॉ मेकिंग पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर सब्जेक्ट मैटर्स. लॉ मेकिंग पावर इज डिवाइडेड इनटू फोर सब्जेक्ट मैटर. यॉर्निंग बॉय, स्टैंड अप. फोर सब्जेक्ट मैटर्स. हाँ बोलो बेटा. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, बस फर्स्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट एंड रेसिजुअल. अलर्ट बेटा, अलर्ट, एकदम अलर्ट. हाउ इज द जोश? तो फिर एकदम अलर्ट. सो जो आर्टिकल नंबर कौन सा 246 है ना, रेड शेड्यूल नंबर 7, उसने लॉ को फोर सब्जेक्ट मैटर में डिवाइड कर रखा है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट. यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, रेसिजुअल. यूनियन लिस्ट जो है ना, जो यूनियन लिस्ट है ना दोस्तों, यूनियन लिस्ट के अंदर लॉ मेकिंग पावर जो है ना, यूनियन लिस्ट के अंदर जो लॉ मेकिंग पावर है ना, वो पार्लियामेंट के पास है. मतलब यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर लिख देंगे ना, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा ना, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर केवल पार्लियामेंट कानून बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा. स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट मैटर लिख देंगे ना, केवल स्टेट बनाएगा. मतलब लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, पार्लियामेंट भी नहीं बना सकता. कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो टॉपिक लिखा हुआ रहेगा ना, नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो टॉपिक लिखा हुआ रहेगा ना, उसके ऊपर पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है. और अब हम इसको फॉलो करें, हम एक आम आदमी किसको फॉलो करें? दोनों को. पार्लियामेंट दोनों को फॉलो करेंगे पक्का. लेकिन अगर कुछ बात इनकंसिस्टेंट रहा तब पार्लियामेंट.
मक्खन और जो बच गया रेसिजुअल लिस्ट, रेसिजुअल लिस्ट में जो भी बच गया वो पार्लियामेंट बनाएगा। अब ये जो कंपनी का लॉ है ना, कंपनी का लॉ वो यूनियन लिस्ट में है। तो क्योंकि कंपनी लॉ इज अ टॉपिक और अ सब्जेक्ट मैटर, कंपनी लॉ टॉपिक और अ सब्जेक्ट मैटर विच हैज बीन मेंशन इन यूनियन लिस्ट, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन कंपनी लॉ। पक्का ना? तुम लोग क्या बोला था? तुम लोग कंपनी लॉ बोल रहा था, पार्लियामेंट पार्लियामेंट चिल्लाया जा रहा था। हम बोले ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन कंपनीज बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। पक्का? श्योर? लवली। अब जैसे ग्रेचुटी का बात करें, हालांकि करना नहीं चाहिए मेरे को आपसे क्योंकि आपके सिलेबस में ग्रेचुटी नहीं है, बट अगर ग्रेचुटी का बात करें, ग्रेचुटी इज अ मैटर पता है इन कॉन्करेंट लिस्ट। ग्रेचुटी कौन सा मैटर है? कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर है, मतलब राज्य सरकार भी बना सकता है और पार्लियामेंट बना सकता है। यू अंडरस्टैंड? मतलब स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है और पार्लियामेंट भी। ठीक है, अपना सिलेबस में क्या है? कंपनी लॉ। बता कंपनी लॉ कौन सा मैटर है? तो केवल कौन बनाएगा? पक्का? क्या ममता दीदी अलग से कंपनी एक्ट बना सकती है? नहीं बना सकती, पावर नहीं है। ओके दोस्तों, रेडी हो जाओ, जिंदगी बदलने वाला है। आज हम लोग कंपनी लॉ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, बट कंपनी लॉ का आज हम कोई सेक्शन नहीं पढ़ाने वाले, ना ना ना, पूरा कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोग को आने वाला क्लासेस में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, कंपनी लॉ इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय एक फ्लो आता है, वो फ्लो को डिस्टर्ब मत करना। कुछ कुछ नियम कानून सुन लो, फ्लो को डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, हम डाउट पूछने का टाइम देंगे, आराम से पूछना, क्लास ओवर होने के बाद मेरे से मिल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, मोबाइल वोबाइल किसी का बजना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा मोबाइल आप कभी भी क्लास में बजते हुए नहीं देखेंगे। ठीक है, मेरे लिए भी वही रूल है, मेरा मोबाइल या तो हम लाते ही नहीं है, लाते हैं तो भी आपको दिखा नहीं। वैसे मेरे को भी आपका मोबाइल नहीं दिखना चाहिए, सामने एकदम पड़ा हुआ है। ठीक है, अलग अलग उसके ऊपर मास्क लगाया हुआ है, कंसंट्रेशन इधर उधर। ठीक है, तो स्विच ऑफ नहीं, कम से कम साइलेंट, क्योंकि अगर बज गया मोबाइल, आप लोग पूरा कैमराज में है। ठीक है, हम लोग सब अपने सेफ्टी के लिए पूरा सीसीटीवी जो है लगा हुआ है, आपके सेफ्टी मेरे सेफ्टी दोनों के लिए। बज गया तो वो मोबाइल का हम क्या करेंगे? हम रख लेंगे। ठीक है, एक हफ्ता रखेंगे, एक हफ्ता बाद वापस करेंगे। परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि वो एक हफ्ता में व्हाट्सएप मैसेजेस हम ही किया करेंगे, परेशानी ये है। तो फिर एक हफ्ता बाद आकर के मत बोलना, इतना मुश्किल से सुनना, जाल में हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हां, तो एकदम जो है ये सब डिसिप्लिन फॉलो करो। रेडी, लेट अस स्टार्ट कंपनी लॉ इंट्रोडक्शन। आपको पता है दोस्तों, इन एनी कंट्रीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन एनी कंट्रीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कंट्रीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वेदर इट बी इंडिया, वेदर इट बी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड, इन एनी कंट्रीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। इन एनी कंट्रीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड देर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। वन इज कॉल्ड जनरल मीटिंग, वन इज कॉल्ड जनरल मीटिंग विच इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, वन इज बोर्ड मीटिंग विच इज द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन एनी कंट्रीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कोई भी कंट्री का कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर दो ही प्रकार का मीटिंग होता है, वन इज कॉल्ड जनरल मीटिंग, वन इज कॉल्ड बोर्ड मीटिंग। आई डिक्टेट एवरीथिंग, आई डिक्टेट ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट फोकस एंड एंजॉय द लेक्चर। सो इन एनी कंट्रीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर, द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स हैव टू अपॉइंट द मैनेजिंग टीम, शेयर होल्डर्स हैव टू अपॉइंट द मैनेजिंग टीम हु विल टेक डे टू डे डिसीजन ऑफ द कंपनी। द पर्सन हु टेक डे टू डे डिसीजन ऑफ द कंपनी आर नोन एज वॉट? डायरेक्टर्स। द पर्सन हु मैनेजेस द कंपनी आर कॉल्ड डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर्स, ओनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स हैव टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स टू मैनेज द कंपनी। आर वी थ्रू विद दिस?
It is not compulsory that the director who has been appointed must also be a shareholder. It is not at all compulsory that the shareholder only can be appointed as a director. It may so happen that a director is a non-shareholder. He is not having any shares of my company, but still we can appoint him as a director. So director may or may not be a shareholder. But what is important is that director must be an individual person. Director must be an individual person, natural person. Director must be an individual and a natural person. Sir, natural person kaun hota hai? Having flesh and blood. Definition hai natural person ka. Natural person is a person having flesh and blood. Dikhaye kya? Aaj subah hi laga dikhate hain. Jisko nahi dikh raha ho, usko ghop karke dikha dete hain. तो इमेजिन कर लो, नेचुरल पर्सन इज सच अ पर्सन हैविंग फ्लैश एंड ब्लड. क्या आपके अंदर फ्लैश है या ब्लड है? दोनों होना चाहिए. हैविंग फ्लैश, क्या आपके अंदर फ्लैश एंड ब्लड है? तो आप लोग सब है नेचुरल पर्सन. ठीक है, तो हम लोग सब नेचुरल पर्सन है, हम लोग डायरेक्टर बन सकते हैं पक्का. शेयर होल्डर जो है ना वो नेचुरल पर्सन होना जरूरी नहीं है. शेयर होल्डर मे नॉट बी अ, मतलब इवन एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम अ शेयर होल्डर. मतलब अगर मैं एक कंपनी खोल रहा हूं, ठीक है, क्या मेरे यहां पर शेयर्स दूसरा कंपनी होल्ड कर सकता है? Yes, बिल्कुल. क्या एक कंपनी दूसरा कंपनी, एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? Yes, बिल्कुल बिल्कुल. शेयर होल्डर कैन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट अ डायरेक्टर कैन नेवर बी एन, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव अपॉइंटेड डायरेक्टर्स टू मैनेज द कंपनी. नाउ इफ डायरेक्टर इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, who will manage him? उसको रखे भाई, तुम हम लोग को मैनेज कर, उसको कौन मैनेज करेगा? डैश. तो दैट इज वाई डायरेक्टर बोला गया. भैया हमेशा क्या होगा? नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल, पक्का. बट शेयर होल्डर क्या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है क्या? अब सुनो, मीटिंग्स जो होता है ना, मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक. बिल्कुल सही, हम पहले भी बोल रखे हैं, जब हम आपको बोलने बोलेंगे उस समय मुंह खोल करके बोलना है. ये सब साइंटिफिकली प्रूवन थिंग हम बता रहे हैं, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा. समझ में आया? तो जब बोले तो मुंह खोल के बोलना, हाँ, तभी अच्छा नंबर आएगा. मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक व्हाट? या मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक डिसीजंस. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज इन कंपनी, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स. डिसीजंस आर टेकन बाय शेयर होल्डर्स इन विच मीटिंग? डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन विच मीटिंग? सो अभी तक हम लोग खाली यही सीखे हैं कि इन एनी कंट्रीज corporate world there can be two types of meetings, general meeting, board meeting. General meeting is a meeting of the shareholders, and board meeting is a meeting of the board of directors. General meeting is a meeting of the shareholder, and board meeting is a meeting of the board of directors. Bade dukh ke sath mere ko aap log ko suchit karna pad raha hai ki board meeting aapke syllabus mein nahi hai. Jo bhi cheez aapko padhna hai wo general meeting ka padhna hai, board meeting aapke syllabus mein nahi hai, because it starts from section number 173. बोर्ड मीटिंग चालू होता है सेक्शन नंबर 173 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ऑनवर्ड्स. और आप सीए इंटर पढ़ रहे हैं, और सीए इंटर के सिलेबस में सेक्शन 1 से लेकर के 148 है. हम लोग लास्ट क्लास सिलेबस में डिस्कस कर चुके थे, अपना सिलेबस में इंटर में 1 से लेकर के 148 है, और ये कहां से चालू हो रहा है? तो ये आपके सिलेबस में है. फिर भी हम आपको बता दें कि जो बोर्ड मीटिंग है ना, इट इज अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. पक्का? ये जो है ना दोस्तों बोर्ड मीटिंग, ये कैलेंडर ईयर में, कौन से ईयर में? कैलेंडर ईयर में 4 टाइम्स किया जाता है, कम से कम, मिनिमम 4 टाइम्स इन अ कैलेंडर ईयर. तो बोर्ड मीटिंग जो है ना एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बार. पक्का? श्योर? कैलेंडर ईयर समझ में आता है, जनवरी से दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जब हम बोलेंगे तो अप्रैल से मार्च होगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च होगा फाइनेंशियल ईयर. कैलेंडर ईयर बोलेंगे तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर. आओ तुम लोग का थोड़ा सा छेड़ते हैं, ज्यादा ना टेक्निकल होकर के मत बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा. खाली अगर ईयर बोले तो, अगर खाली ईयर लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर के कैलेंडर ईयर, मुंडो फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर. जब घर में बातचीत होता है नया साल आ रहा है तो लोग बोला अप्रैल आने वाला है, बेसरमो.
तो फाइनेंशियल ईयर जब तक हम लोग बोलते नहीं तब तक अप्रैल से मार्च नहीं होगा, जब फाइनेंशियल बोलेंगे तब अप्रैल से मार्च। इसके अलावा अगर हम लोग खाली ईयर बोलेंगे तो वो ईयर कैलेंडर ईयर होगा दोस्तों, जनवरी से दिसंबर। कौन बोल रहे मार्च, जनवरी से मार्च? गांजा लेकर के आया कि नहीं आया बताओ, गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, ठीक है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर, एंड व्हेन ओनली ईयर इज हियर इट इज कैलेंडर ईयर। ओके, सो बोर्ड मीटिंग आपके सिलेबस नहीं है, सेक्शन 173 से होगा, बट हम आपको बता दें कैलेंडर ईयर में कम से कम एटलीस्ट 4 टाइम्स इन कैलेंडर ईयर, और ये दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया, 120 दिन का गैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना, 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए यार, अब समझो। अरे बीच में मिलते रहना पड़ेगा ना, नहीं ऐसा करेंगे चार बार एनआरए, एक बार में मिल करके चार बार खत्म कर, एक रिसोर्ट में चलते हैं चार दिन का छुट्टी में, रोज चट्ठो मीटिंग करके एवरीडे ईच मीटिंग, तो चार दिन में चार खत्म, साल का कोटा। अब सीधा अगले साल मिलेंगे, तब तक कम नहीं चलता है तो चलने दो। इसलिए बोला कि भाई 120 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, समझ में आया? विद इन 120 डेज आप लोग को मिल लेना है, तो चार बार तो मिल लिए तो और मिल लो, ये तो चार क्या है, मिनिमम है ना, मिनिमम है ना चार बार तो। और विथ थ्रू विद दिस, तो जो भी है इतना दिन नहीं हो जाए कि 120 दिन से भी ज्यादा हो जाए मिले हुए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोर देन 120 डेज हैव एक्सपायर्ड सिंस द लास्ट बोर्ड मीटिंग, नेवर एवर इन द कंपनी, नेवर एवर इन द कंपनी द सिचुएशन शुड अराइज दैट मोर देन 120 डेज हैव इलैप्स सिंस द लास्ट बोर्ड मीटिंग। नो, मोर देन 120 डेज शुड नेवर इलैप्स, नेवर इलैप्स फ्रॉम द लास्ट बोर्ड मीटिंग। समझ में आ गया सर, ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी इसको आइडिया लग चुका है बोर्ड मीटिंग के बारे में। अब आओ, कौन सा मीटिंग, इसका ए से लेकर के जेड तक सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्या होता है, एवरीथिंग इज देयर इन योर सिलेबस। बट आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, सेक्शंस में नहीं जा रहे हैं। होता क्या, जनरल मीटिंग से मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जनरल मीटिंग से मीटिंग ऑफ द, इट इज ऑफ थ्री टाइम्स, ठीक, थ्री टाइम्स, जनरल मीटिंग इज ऑफ थ्री टाइम्स, ठीक है? एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होता है क्लास मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। सबसे पहले नाम से पता चल रहा है ना, एनुअल, इट इज अ मीटिंग ऑफ किसका, इट्स अ जनरल मीटिंग, सो इट हैज टू बी अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। नाउ ये जो एनुअल जनरल मीटिंग विच इज अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, नाम से पता चल रहा है ना, साल में कितना बार होगा, एक बार। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही बार होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एनुअल, इसलिए एनुअल बोल रहे हैं पक्का। बट नाउ यू टेल मी, नाउ यू गाइस टेल मी, एनुअल जनरल मीटिंग अपने साल में कितना बार कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल कि जो मालिक लोग हैं, मालिक लोग कौन, शेयर होल्डर्स लोग, साल में एक बार मिलकर के साल भर का सारा डिसीजन ले ले? जवाब चाहिए मेरे को, क्या ये संभव है कि अकेला एक दिन मिलकर के, अकेला एक एनुअल जनरल मीटिंग में मिलकर के पूरा साल भर का हम लोग डिसीजन ले ले? पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? हाँ, वी कैन नॉट टेक एंटायर ईयर्स डिसीजन ऑन अ सिंगल डे ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, होम टू हायर, होम टू फायर, वेयर टू ओपन द ब्रांच, वेयर टू शट द ब्रांच, वेयर टू मेक इन्वेस्टमेंट, वेयर टू मेक डिस इन्वेस्टमेंट, किसको रखना है, किसको निकालना है, कहां ब्रांच खोलना है, कहां ब्रांच बंद करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कहां डिस इन्वेस्ट करना है, ऑल द डिसीजन, होम टू हायर, होम टू फायर, वेयर टू ओपन द ब्रांच, वेयर टू शट डाउन द ब्रांच, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू डिस इन्वेस्ट, ऑल द डिसीजंस कैन नॉट टेक प्लेस ऑन अ सिंगल डे ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। देयरफॉर द नीड अराइजेस फॉर अनदर जनरल मीटिंग, देयरफॉर द नीड अराइजेस फॉर अनदर जनरल मीटिंग, एंड दैट अनदर जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट अनदर जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अरविंद प्रभु दिस, दैट अनदर जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट अनदर जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मक्खन एकदम। अब देखो, नाम एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग है, नाम एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग है क्योंकि यहां पर हम लोग सडन डिसीजन ले रहे हैं। मान लो से फॉर एग्जाम्पल हम लोग का से फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर जो है वो एक्सपायर कर गया, ठीक है? डायरेक्टर क्या कर गया, तो अब नया डायरेक्टर रखना है, बोलो। तो क्या बोलेंगे,
मरना तो मरता है तो अगला साल का एनुअल जनरल मीटिंग में रख लेंगे हाँ कि एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएंगे क्या नाम है टू अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर आर वी थ्रू विद दिस फैक्ट्री में आग लग करके खत्म हो गया अगले साल देखते हैं क्या करना है कि अर्जेंट मीटिंग बुलाएंगे मालिक लोग तो डिसीजन लेगा ना रे बाबा मालिक लोग कहां डिसीजन लेगा एक्सटर्नल यहां पर तो पूरा प्लान डिसीजन लिया जाता है साल का एनुअल अकाउंट्स वगैरह बन गया साल का एनुअल अकाउंट्स को कंसीडर करना साल भर का एनुअल अकाउंट्स को कंसीडर करना डिविडेंड वगैरह बांटना साल भर का एनुअल अकाउंट्स को कंसीडर करना डिविडेंड वगैरह बांटना समझ में आया वो सब काम कहां पर हो जाता है एजीएम पर आग लग गया फैक्ट्री में अब हम लोग को क्या सडन मीटिंग बुलाना पड़ेगा क्या दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग नाम थोड़ा सा हट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं समझ में आया बट दिस इज ऑल्सो अ जनरल मीटिंग हाँ यहां पर भी डिसीजन ही लिए जाएंगे मतलब ऐसे नहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा जस्ट लाइक अ मीटिंग जस्ट लाइक अनदर मीटिंग बट कॉल टू टेक सडन डिसीजन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग अब ये क्या है क्लास मीटिंग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ ईजीएम ओनली क्लास मीटिंग इज अ टाइप ऑफ व्हेन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज कॉल्ड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर व्हेन ईजीएम हैज बीन कॉल्ड only for a particular class of shareholder when EGM has been called only for a particular class of shareholder that EGM is known as what class meeting so class meeting is an EGM only a particular class of shareholder it is an EGM of only a particular class of shareholder aapko pata hai na dosto there are two classes of shareholders equity shareholder फटाफट batao how many classes of shareholders are there equity shareholder preference shareholder So when a meeting has been called only for a particular class of shareholder, it is called class meeting. For example, when the meeting has been called only for the equity shareholder, in which preference shareholder has not been allowed to attend, it's a class meeting. Similarly, when the meeting has been called only for the preference shareholder, equity is not allowed, it's a class meeting. जैसे right now, यहाँ पर केवल CA inter वाला बच्चा पढ़ रहा है, class meeting. समझ में आ रहा क्या बात हो रहा है? So class meeting is a meeting of only a particular class of shareholder. For example, only a meeting of equity shareholder in which preference is not allowed or meeting of only preference shareholder in which equity is not allowed. Then it is called class meeting. Sir, AGM bhi toh aisa ho sakta hai? No, mere ganja, aisa nahi ho sakta. AGM mein aap kisi shareholder ko rok, sal mein ek baar milenge, sare bhai bhen milenge. Kisi ko hum log rok nahi sakte. So, AGM kabhi bhi class meeting nahi hoga. Pakka. But EGM, when called only for a पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयरहोल्डर इट इज कॉल्ड क्लास मीटिंग और अगर उसमें दोनों आ रहे हैं तो खाली क्या बोला जाएगा ईजीएम लेकिन अगर उस ईजीएम में केवल एक क्लास वाले लोग आ रहे हैं तो क्लास मीटिंग मक्खन एकदम सो फार सो गुड नाम से पता चल रहा है ये बताओ साल में कितना बार करोगे एजीएम साल में ईजीएम साल में कितना बार अनलिमिटेड अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं है क्लास मीटिंग अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं मक्खन मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक मीटिंग्स आर कॉल टू टेक पूरा प्रैक्टिकली हम आपको समझाते हैं मीटिंग्स आर कॉल टू टेक देर इज ऑलवेज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग देर इज ऑलवेज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग जिसके आने से मीटिंग स्टार्ट होगा जिसके जाने से मीटिंग खत्म होगा और मीटिंग में कोऑर्डिनेटर वही रहेगा उस इंसान को बोलते हैं चेयरमैन दैट पर्सन इन नोन एज चेयरमैन सर चेयरमैन कौन बनता है सर हम लोग का भी सपना है चेयरमैन बनने का एटसेट्रा एटसेट्रा वो सेक्शन 104 में आएगा चेयरमैन का अलग से सेक्शन नंबर 104 ठीक है उसमें सीखेंगे बट जैसे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल दें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो मुकेश अंबानी है वही क्या है चेयरमैन उसी के आने से मीटिंग स्टार्ट होता है यहां से मीटिंग खत्म बनाया रिलायंस में मुकेश अंबानी कौन है शेयर होल्डर है कि डायरेक्टर है कि चेयरमैन है तीनों है वो इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस is the largest shareholder of Reliance. That is why he is the richest man of India. Richest man of India मतलब उसके पास कैश में रुपया नहीं पड़ा हुआ है नहीं समझ में आया बैंक में भी रुपया नहीं पड़ा हुआ है उसके ज्यादा स्टॉक का वैल्यू ज्यादा है रिलायंस का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर कौन मुकेश अंबानी अब उसके पास इतना पर इतना ज्यादा शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय रिलायंस का क्या शेयर वैल्यू मुकेश अंबानी इज हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर तो वो सब के कारण ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया नहीं समझ में आया मान लो उसका से फॉर एग्जांपल अगर वो बोल रहा है कि उसके पास 2 लाख करोड़ रुपया है तो
तो 2,00,000 रुपया का उसका नेटवर्थ, मतलब उसके पास 2,00,000 बैंक में नहीं पड़ा हुआ है, उसका वैल्यू है पूरा, समझाया? तो कौन है? चेयरमैन है, डायरेक्टर है, किसे होल्डर है? तीनों, जैसे हम हंस के रह रहे, मजाक कर रहे हैं, बताया जरूर दिखाया देना उस दिन, मोहित एडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एमईपीएल, एमईपीएल का चेयरमैन, डायरेक्टर, मेंबर, तो हम मेंबर डायरेक्टर चेयरमैन तीनों हैं। तो डायरेक्टर तो और भी होंगे, हाँ है, शेयरहोल्डर और भी, हाँ है, चेयरमैन एक ही रहेगा। मैं चेयरमैन भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, मेंबर भी हूं। ओके, सर चेयरमैन कौन होता है बताइए ना, सर चेयरमैन कौन होता है? आर्टिकल्स ऑफ कंपनी सुने, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें जिसका नाम लिखा हुआ रहता है, नहीं समझाया? तो रिलायंस का आर्टिकल्स में मुकेश का नाम लिखा हुआ है, मोहित एडकॉम का आर्टिकल्स में मेरा नाम लिखा हुआ है कि हम चेयरमैन, इसलिए हम चेयरमैन है। सर अगर वो एब्सेंट हो गया तो क्या होगा? अबे बेटा तुम मेरे को इंट्रोडक्शन पढ़ाने दोगे कि नहीं? क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन वाला रहता है, तुम्हारे मन में बहुत सारा लहर दौड़ पड़ता है, कोई भी एक शब्द आता है चेयरमैन, अब तुमको चेयरमैन का प्रोडक्शन कर दे, तो वो तो सेक्शन 104 में आएगा, सेक्शन नंबर 104 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सर आप भी कंट्रोल करिए, हम लोग तो पूछ ही नहीं रहे, आप ही बोले जा रहे, ठीक है? अभी सुनो, पूरा प्रैक्टिकली चीज को समझा रहे। मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक, मान लो हम चेयरमैन, ऐसे होता है पूरा, डियर शेयर होल्डर्स वेलकम टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ मोहित टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। उस समय थैंक यू बोला जाता है, बहुत सारे बाद बाकी बच्चे का पहली बार है मेरे ख्याल से, कभी लाइफ में मीटिंग ही अटेंड नहीं किया, बाबा जी की तरफ बैठ गए हो। लेट अस रीटेक, डियर शेयर होल्डर्स वेलकम टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एमईपीएल। टुडे द फर्स्ट डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज द इंक्रीमेंट इन द रेम्यूनरेशन ऑफ आवर होल टाइम डायरेक्टर। The first discussion that we'll be doing is the increment in the remuneration of our whole-time director, Mr. Jay. Mr. Jay, जो हमारे whole-time director है, dear shareholders, इनका हम लोग propose कर रहे हैं, propose मतलब आपके सामने रख रहे हैं matter को, हम लोग propose कर रहे हैं आपके सामने, क्या इनका salary 1,00,000 rupees per month से बढ़ा दिया जाए? बोलिए बोलिए दोस्तों, क्या होल टाइम डायरेक्टर सैलरी 1,00,000 रुपया महीने से बढ़ा दें? बोलिए बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बोलिए, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता। पीछे से 2-4 आदमी और खड़े हो गए, बोला घटा दीजिए, बढ़ाने नहीं, घटा दीजिए, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता। मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक डिसीजंस बाय पासिंग रेजोल्यूशंस, ठीक है? पीछे से लोग खड़े होकर नहीं बढ़ाने देंगे, अब बढ़ा कर दीजिए, ऐसे नहीं। मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक, क्या बताइए ना, डिसीजंस। मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक डिसीजंस बाय पासिंग रेजोल्यूशंस। दोस्तों मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक डिसीजंस बाय पासिंग रेजोल्यूशंस, ठीक है? अब ये जो रेजोल्यूशंस होता है ना, ये होता है दो प्रकार का, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या होता है बताइए, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक Decisions are taken by passing resolutions, ठीक है? Resolutions जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ordinary resolution, special resolution. Ordinary resolution मतलब होता है कि हम लोग का जो votes cast in favor होगा ना, votes cast in, वो ज्यादा होना चाहिए than the votes against. Votes in favor should be more. Votes in favor should be more than वोट्स अगेंस्ट, मतलब अगर अगेंस्ट में 4 वोट है, अगर अगेंस्ट में 1 वोट फेवर में ज्यादा होना चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा तो भी चलेगा, मतलब जितना अगेंस्ट में उससे ज्यादा, जितना अगेंस्ट में है उससे ज्यादा वोट फेवर में होना चाहिए तो और पास हो जाएगा। मतलब अगर अगेंस्ट में 4 है, कम से कम कितना फेवर में चाहिए, कम से कम 5 वोट फेवर में चाहिए और पास हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी एक्ट में कहीं पर लिखा हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन से ये डिसीजन लिया जाए, अगर कंपनी साहब बोलता है कि ये फैसला स्पेशल रेजोल्यूशन से लिया जाए, ये फैसला स्पेशल रेजोल्यूशन से लिया जाए, तब स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में थोड़ा लग रहा है ना, स्पेशल थोड़ा भारी होगा, स्पेशल समझ में आ रहा है ना, थोड़ा भारी होगा। तो यहां पर बोला गया जितना वोट से इन फेवर है
votes in favor must be at least 3 times of the votes against. Votes in favor must be at least 3 times of the votes against. OR ke liye bola gaya, votes in favor must be more. Votes in favor must be more than the votes against. But SR ke liye bola gaya, votes in favor should be at least 3 times of the votes against. Matlab agar against mein kitna tha? 4 tha. Aur aapko Companies Act ne SR pass karne bol rakha hai is matter ke upar. So special resolution ke liye to mere ko votes in favor 3 times of the votes against chahiye. Against mein kitna hai? 4 into 3 kar do, 12. Kam se kam 12 vote favor mein hona chahiye for special resolution to be passed. Makhan ekdam? फटाफट बताना. अगेंस्ट में अगर 5 है, अगेंस्ट में अगर 5 है, तो एसआर के लिए फेवर में कितना चाहिए? मतलब जितना अगेंस्ट है इनटू 3 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अगेंस्ट में अगर 1 है, फेवर में कितना चाहिएगा? अगेंस्ट में 1 है तो फेवर में कितना चाहिएगा? अरे बोलो ना. अगेंस्ट में 1 है, फेवर में 3 चाहिएगा, एसआर पास हो जाएगा. अच्छा, अगर अगेंस्ट में 1 है और फेवर में 3 है, टोटल वोट कितना हो गया? 4. टोटल वोट 4, उसमें फेवर में कितना है? 3. परसेंटेज में कन्वर्ट करो इसको, 75%. मतलब इन अदर वर्ड 75% ऑफ द टोटल वोट्स मस्ट बी इन फेवर फॉर एसआर. ठीक है, फ्रैक्शन में अगर बोले तो 3/4 ऑफ द टोटल वोट्स मस्ट बी इन फेवर. अगर एसआर पास होना है तो 3/4 ऑफ द टोटल वोट मस्ट बी इन फेवर. और अगर परसेंटेज में बोले तो 75% ऑफ द टोटल वोट्स मस्ट बी इन फेवर. और अगर सेंटेंस में बोले तो वोट्स इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 times ऑफ द वोट्स अगेंस्ट. मतलब अगेंस्ट में अगर 1 है तो 3 times फेवर 3, टोटल बताओ, टोटल 4, में फेवर में कितना चाहिए? तो 3/4 वोट्स अपने को फेवर में चाहिए. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 275%. मक्खन एकदम. तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी. यहां पर क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी. एक वोट खाली फेवर में क्या होना चाहिए ज्यादा? और एसआर में सिंपल मेजोरिटी की 75% मेजोरिटी. मक्खन एकदम. अब मेरा एक क्वेश्चन है उनसे. किसी बच्चा के मन में ऐसा चलना चालू हो गया होगा, देखो लॉ जो है ना वो पत्थर का लकीर होता है. जो ना सर पत्थर का लकीर. देखो किसी बच्चा के मन में, बहुत सारे बच्चा के मन में क्वेश्चन आया होगा, सर बराबर है, अगेंस्ट में भी 3 है, फेवर में भी 3 है. सर अगेंस्ट में 3, फेवर में 3, तो तुम बताओ ओवर पास कि नॉट पास? नॉट पास. नॉट पास. क्योंकि ओवर पास कब होगा? जब वोट्स इन फेवर ज्यादा होगा. क्या 3 ज्यादा है 3 से? तो ओवर पास नहीं हुआ. और विथ विद दिस सर फिर से वोट करवाएंगे? नहीं, ये इलेक्शन नहीं है कि बार बार चलेगा. मतलब इसका सैलरी नहीं बढ़ेगा. मतलब वोट्स इन फेवर बराबर आना से तो अच्छा था अगेंस्ट ही ज्यादा आ जाता, क्योंकि मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा. अगेंस्ट में ज्यादा वोट आ गया या बराबर रहा तो तुम्हारा सैलरी बढ़ने वाला नहीं है. अगर मैटर वो था सैलरी बढ़ाने का, तो अगर अगेंस्ट में 3 है और फेवर में भी 3 है, तो इससे तो अच्छा था कि और बुरी तरह हारता, नहीं तो ज्यादा दुख होता है. तो अगेंस्ट में भी 3, फेवर में 3, इससे तो अच्छा था कि अगेंस्ट में 30 होता, फेवर में 3 होता. एक ही बात रहेगा. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो ओवर पास की नॉट पास. ओके मक्खन एकदम. हाँ, फ्यूचर में जब चेयरमैन पढ़ोगे ना सेक्शन 104, तो तुम सीखोगे कि वहां पर चेयरमैन के पास एक कास्टिंग वोट रहता है. ठीक है, वीटो पावर, कास्टिंग वोट, वो सब बात के बाद का है. अभी समझ में आ गया कि ओवर कब पास होगा? जब वोट्स इन फेवर ज्यादा, सिंपल मेजोरिटी. एसआर कब पास होगा? 3 times, 75% मेजोरिटी, टोटल 3/4 ऑफ द वोट्स मस्ट बी इन फेवर. घुटना में भी अगर बुद्धि है तो बता सकोगे कौन सा आसान है पास होना, ओआर है कि एसआर है? अरे ओआर ऑब्वियस बात है यार. OR is more easier to pass than SR. तो हो सकता है मेरे बच्चों, एक बच्चा सोच रहा होगा कि क्योंकि OR ज्यादा आसान है पास ना, तो फिर ना सर ना कंपनी लोग तो बदमाशी करेगा. कंपनी लोग तो ऐसा करेगा कि कंपनी को जो फैसला लेना होगा वो वहां पर बोलेगा चलो OR खेलते हैं, और जो फैसला नहीं लेना होगा वो ऑब्स्टेकल लाने के लिए बोलेगा चलो SR पास करके दिखाओ. हे भगवान, ये कंपनी डिसाइड नहीं करता है कि कहां ओवर पास होगा कहां है सर. ये कंपनी का आर्टिकल्स भी डिसाइड नहीं करता है कि कहां ओवर पास होगा कहां है सर. ये प्री डिसाइडेड है. द मैटर्स विच रिक्वायर ओवर, द मैटर्स विच रिक्वायर एसआर आर प्री डिसाइडेड इन द कंपनीज एक्ट 2013, 470 सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि कहां ओवर लगना है, कहां एसआर लगना है. तो यह ऑलरेडी सरकार ने
ये पार्लियामेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि विच आर द मैटर्स विच रिक्वायर ओवर एंड विच आर द मैटर्स विच रिक्वायर ऐसा. यू आई और कंपनी कैन नॉट डिसाइड, अपने अपने मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते यहां और लगेगा कि यहां ऐसा लगेगा. ये ऑलरेडी कंपनी सेक्ट में प्री डिसाइडेड है. एज द क्लासेस विल प्रोग्रेस, एज द क्लासेस विल प्रोग्रेस, यू विल बी इनलाइटेंड विद द फैक्ट दैट व्हाट इज द मैटर से चुका ओवर एंड व्हाट इज द मैटर से चुका है ऐसा. ये कोई दो चार क्लास में नहीं, ये जब पूरा कंपनी से खत्म होगा तब तक सीखते रहोगे, तब तक सीखते रहोगे. नाम चेंज करने के लिए अलग है, रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के लिए अलग है, कैपिटल चेंज करने के लिए अलग है. तो जब तक कंपनी से खत्म होगा तब तक ये आते रहेगा, यहां और लगा, वहां ऐसा लगा. अरविंद थ्रू विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स. हां, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है लॉजिक से अगर, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर अगर होता होगा ना तो वहां पर ऐसा है, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट मैटर है वो ओवर. नहीं समझ में आया? ये अगर लॉजिक लगा रहे हो, ये लॉजिक हम एक्सेप्ट करते हैं. लॉ मेकर्स ने इसी लॉजिक के साथ ओवर और ऐसा डिसाइड कर रखा है कि मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है वहां पर ऐसा है, कम इंपॉर्टेंट मैटर के लिए ओवर है. जैसे हम एग्जांपल देते हैं, तुमको बिना एक्ट पढ़े तुम बता सको कि कहां ओवर है कहां ऐसा है, अगर तुम्हारे पास लॉजिक है तो. कंपनी का वाइंडिंग, वाइंडिंग अप खत्म कर देंगे, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, स्पेशल रेजोल्यूशन. और विद थ्रू विद दिस शेयर होल्डर लोग से शेयर ही बाई बैक कर ले रहे हैं सारा, बाई बैक ऑफ शेयर ऐसा. नहीं समझ आया क्या बोले? अरे समझा? शेयर होल्डर लोग को बोनस शेयर इशू हो रहा है, और पूरा फीलिंग के साथ बोल रहे हो, सही जा रहे हो, जा सही रहे हो बॉस. उतना फीलिंग अच्छा नहीं है, एक तो रुकावट भी पैदा हो जाना चाहिए. रुक, ये ला बोल. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एसआर सही बोल दिया है तुमने. सेक्शन 66 में लिखा हुआ ये बात सही बोल दिया. एक बच्चा बोल रहा है सर हम नहीं बोल सक रहे हैं. अरे तो कोई बात नहीं, वो तो 66 में आएगा. अभी मेरा काम है खाली ये सिखाना ओआर होता क्या है, एसआर होता क्या है. ये तो इन लोगों के साथ खेल रहे हैं. रुक, एक ना एक में तो रोकेंगे. रुक, ऐसे कैसे? हाँ, कोई पढ़ करके थोड़ी ना आए हो तुम लोग. ये गलत. सब डिविजन ऑफ शेयर्स, सब डिविजन ऑफ शेयर्स. अब देखो आपस में तुम लोग का फूट पड़ गया. देयर इज नो क्लियर कट मेजोरिटी. इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए. सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 61, ठीक है, सेक्शन 61. इसमें ओआर चाहिए. सर अभी तो एसआर बोले थे, वो रिडक्शन था. रिडक्शन और सब डिविजन में फर्क होता है. कुछ बच्चे जो समझ गए होंगे मेरे बदमाशी कि गलत होने वाला है, तो सब डिविजन उन लोग लग तो इंपॉर्टेंट ही रहा है, बट सर बोले गलत होने वाला है तो ओवर बोलो. कुछ बच्चे ऐसा भी सोच करके बोलते हैं. चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, दो केसेस इसका, एसआर भी लग सकता है ओवर भी लग सकता है, ठीक है. वो सेक्शन 13 में पढ़ोगे. सेक्शन नंबर 13, खुद से मैं नाम चेंज करेगा तो एसआर. मेरा नाम बहुत बार क्या होता है ना, आइडेंटिकल था, ठीक है, तो गवर्नमेंट मेरे को बोला आपका नाम जो है वो चेंज करे, तब ओवर. सरकार मेरे को बोलेगा चेंज करो, तब ओवर. खुद से मैं वही नाम चेंज करेगा तो एसआर. चलो बस वार्म अप हो गया, बट लॉजिक समझ में आया. जो इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे वाइंडिंग अप से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा क्या? अरे कंपनी बंद करना है, हाँ तो ओवर करके नक्की करो. वहां पर है सर बोनस इशू करना है, अच्छा बात है यार, ये तो इसमें उतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. ओवर, ओवर क्या होता है, एसआर क्या होता है, समझ में आया? ये हम और आप डिसाइड करेंगे कि ऑलरेडी डिसाइडेड है इन द कंपनीज एक्ट. अब सुनो, मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक डिसीजंस ऑन विच मैटर्स, बिजनेस मैटर्स बोलते तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं. कंपनी में जो मीटिंग्स होता है ना, मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक, मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक डिसीजंस ऑन बिजनेस मैटर. अब दोस्तों ये जो बिजनेस मैटर्स है ना, इसको क्लासिफाई कर दिया गया है. जितने भी बिजनेस मैटर्स हैं, दे हैव बीन क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस. जो हम लोग डिसीजन लेंगे बिजनेस मैटर के ऊपर, बिजनेस मैटर या तो ऑर्डिनरी रहेगा या स्पेशल रहेगा. जो बिजनेस मैटर है या तो ऑर्डिनरी रहेगा या स्पेशल रहेगा. गिन करके केवल चार मैटर, गिन करके केवल चार मैटर को ऑर्डिनरी माना गया. ओ, रेस्ट पांच
लेकर के इंफिनिटी तक सब स्पेशल बिजनेस. मीटिंग्स आर कॉल्ड टू टेक डिसीजन ऑन बिजनेस मैटर. बिजनेस मैटर्स कैन बी आइदर ऑर्डिनरी और स्पेशल. ओनली फोर मैटर्स आर ट्रीटेड एज, रेस्ट ऑल द मैटर्स आर स्पेशल. एक सेकेंड भी उधर देखना, ध्यान लगा करके पढ़ते रहना. जिसको स्पीड थोड़ा फास्ट लग रहा है, अपना स्पीड जो है वो बढ़ाओ, क्योंकि ऑलरेडी 75 क्लासेस है लॉ का. समझ आया? अब इससे थोड़ा भी स्लो गए तो 75-85 बनने में टाइम नहीं लगेगा, फिर तुमको जबरदस्त लगेगा. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. समझ आया क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इस स्पीड में 75 क्लास लगता है, इसे थोड़ा सा स्लो है तो 10 क्लास बढ़ जाएगा. समझ गए सर? समझ गए सर? बिजनेस मैटर ऑर्डिनरी रहेगा या फिर गिन करके चार आइटम क्या है? ऑर्डिनरी. वो पहले ऑर्डिनरी हम बता दे रहे हैं आज के क्लास में. तो अगर तुमको ऑर्डिनरी पता चल गया, अपने आप क्या पता चलेगा बताओ? स्पेशल मक्खन एकदम. सुनो, सबसे पहला आइटम कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, कंसिडरेशन ऑफ. और एनुअल अकाउंट के साथ ना हमेशा डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट अटैच रहता है. एनुअल अकाउंट्स कभी भी अकेले नहीं पढ़ाया जाता. एनुअल अकाउंट के साथ डायरेक्टर का रिपोर्ट एंड कि एनुअल अकाउंट्स के ऊपर डायरेक्टर लोग को क्या कहना है और ऑडिटर्स को क्या कहना है. तो एनुअल अकाउंट के साथ अटैच रहता है डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर माना जाएगा. मतलब जब हम लोग मीटिंग में एनुअल अकाउंट के ऊपर चर्चा करेंगे ना, ये स्पेशल बिजनेस है कि ऑर्डिनरी बिजनेस है? ये ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाएगा. दूसरा होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ क्या होना, ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाता है. तीसरा होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग. बोलो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ. कोई डायरेक्टर हमेशा चिरकाल तक रहेगा कि कभी ना कभी डायरेक्टर रिटायर होगा? तो जब कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसके जगह जो हम लोग नया आदमी को ला रहे हैं ना, जब डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसके जगह जो हम लोग नया आदमी को डायरेक्टर बना रहे हैं ना, इट्स एन ऑर्डिनरी बिजनेस. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायर. और लास्ट वाला होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन. पक्का बताओ? चार आइटम ऑर्डिनरी बिजनेस का, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. ओए, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट. फिर डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग एंड फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर. समझे? ठीक है. इसको याद करने का तरीका है अड्डा. क्या है? इसको प्यार से क्या बोलते हैं? अड्डा. ए फॉर एनुअल अकाउंट, डी फॉर डिविडेंड, फिर डी फॉर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग एंड ए फॉर ऑडिटर. जीवन में नहीं बोल सकते, जीवन में नहीं बोल सकते. ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब अड्डा. ऑर्डिनरी बिजनेस को प्यार से बोलो अड्डा. ए फॉर एनुअल अकाउंट, डी फॉर डिविडेंड, फिर डी फॉर डायरेक्टर, फिर ए फॉर ऑडिटर. पक्का? लेकिन ये तो ए से चालू नहीं हो रहा है, सी से हो रहा है. मेन थीम तो एनुअल अकाउंट है ना रे बाबा. इसमें तो क्या लिखे हम? हाँ, सड्डा. मेन थीम तो ए फॉर एनुअल अकाउंट है ना. पक्का? पूरा बोल दो. कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन. मक्खन एकदम. ये चार आइटम क्या है? ऑर्डिनरी. इसके अलावा सब कुछ स्पेशल. तो आज के क्लास में ये तो समझ में आ गया कि क्या ऑर्डिनरी और क्या स्पेशल है. और पूछते हैं हम, बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी. सर आप पूछते,
दोनों जो बोले वो गांजा ले रखा है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर एस आर. बोला अभी आप थोड़े पहले बताए थे नाम चेंज करने के लिए कभी कभार ओवर लगता है कभी कभार एस आर, तो दोनों हो गया. ओवर एस आर अलग है, वो तो वोट था ना, वोटिंग ओवर एस आर होता है ना रे बाबा. और ये तो चर्चा है ना, चर्चा बिजनेस मैटर है. चार बिजनेस मैटर है खाली ऑर्डिनरी, बाद में की स्पेशल है. नहीं समझ में आया? सुनो, आज का मेरा टारगेट है ओबीएस भी समझा देना. समझ में आ गया कि आप तो पहचान लोगे ओबीएस भी क्या है. हाँ, बाय बैक, चेंजिंग द नेम, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, सब डिविजन ऑफ शेयर, बोनस इश्यू, राइट इश्यू. सर समझ में आ गया पक्का. एग्जाम में दो ऐसा क्वेश्चन आता है जो बच्चा लोग ओबीएस भी गलत करते हैं. सर क्या बोल रहे हैं आप, चार आइटम लिखा हुआ है बोर्ड पे हो भी है, बाद में सर एसबी है, फिर कैसे गलत होगा? पूछे गलत होगा. चलो ये ला पूछ लेते हैं. इंक्रीजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, इंक्रीजिंग एमडी का, इंक्रीजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन. ओबी कौन बोला? ओबी किलो बोला, सांड का गोबर भरा हुआ है. किस एंगल से आपको ओबी लगा? हाँ खड़े हो, साबित भी कर रहा है ये लड़का, बता खड़े हो. इंक्रीजिंग एमडी रेमुनरेशन, इंक्रीजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर का रेमुनरेशन, कहाँ ओबी है दिखा? हाँ हाँ बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर था. इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, ए तो एक शब्द मैच कर गया, डायरेक्टर डायरेक्टर एक वर्ड मैच किया ना. ए तो डायरेक्टर डायरेक्टर, इंक्रीजिंग मैनेजिंग तो नहीं है डायरेक्टर. रेमुनरेशन ये रहा. अरे भाई वो ऑडिटर रेमुनरेशन है, एक वर्ड है ना सर, ऐसा नहीं होता. बताओ इंक्रीजिंग एमडी का रेमुनरेशन. एसबी मेरा दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आया हुआ है, यह भी आया हुआ है और जो पूछ रहे वो भी आया हुआ है. हाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये ओबी है कि एसबी है जो पूछ रहे हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर फुल स्टॉप. येलो बॉय, गजब तुम बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, खड़े हो बोलो. दोनों हो सकता है, जो ज्यादा लिया जाए एक बच्चे के लिए सही है वो. बताओ कैसे दोनों हो सकता है? हाँ वेरी गुड. देखो क्वेश्चन में खाली इतना लिखा हुआ था, क्वेश्चन में खाली इतना लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर. तो अब तुमको तो दोनों लिखना पड़ेगा कि देखो इफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हैज बीन मेड इन प्लेस ऑफ अ रिटायरिंग डायरेक्टर, इट्स एन ऑर्डिनरी बिजनेस. बट इफ नन ऑफ द डायरेक्टर्स हैव रिटायर्ड, अ फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर हैज बीन मेड, देन इट्स अ स्पेशल बिजनेस. कुछ बोलेगा रिटायर नहीं हुआ तो रखे कि अरे एडिशनल काम था, कंपनी आगे बढ़ रहा था, तो एक को लात मार के ही रखेंगे क्या? कि ऐसे भी रख सकते हैं, तो ऐसे ही रख लिए बिना कोई रिटायरमेंट के, ऐसे ही नया डायरेक्टर रख लिया, तब तो स्पेशल बिजनेस. बट अगर एक डायरेक्टर रिटायर हुआ उसकी जगह रखे तो ऑर्डिनरी. तो सर क्वेश्चन में तो खाली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर था. हाँ तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वेदर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वेदर नॉट इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग नहीं था ना, तो तुमको दोनों लिखना पड़ेगा. नहीं समझा? तुम ऐसे एटीट्यूड में नहीं रह सकता. कंप्लीट द क्वेश्चन, आई वोंट आंसर, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. और फिर बोलोगे वीडियो बनाओ, नंबर चाहिए. दोनों आंसर लिखना पड़ेगा. समझ में आया कि देख भाई रिटायरिंग हुआ इसलिए रखा तो ऑर्डिनरी, ऐसे ही रख लिया तो स्पेशल. मक्खन चोर. अच्छा सुनो दोस्तों, अभी अभी तुमने ओबीएस भी पढ़ा. बिजनेस मैटर्स क्या क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस को प्यार से बोलते हैं अड्डा, और बात बाकी स्पेशल बिजनेस. लेकिन उसके पहले हम लोग ओआरएसआर पढ़े थे ना रे बाबा. ओआर मतलब
सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब थ्री टाइम्स पक्का श्योर. तो मेरे बच्चे तो बुद्धिमान है. हैव यू कनेक्टेड अ लिंक? हैव यू ड्रॉन अ लिंक? दो बिजनेस मैटर था, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड दो बिजनेस मैटर था अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस, बाद बाकी सब स्पेशल बिजनेस. ये सारे मैटर्स को डिस्कस करने के लिए ओआर पास होना है कि एसआर पास होना है? बोलिए. ओ भी है तो क्या पास होगा और स्पेशल बिजनेस है तो क्या पास होगा? ये मेरे को बताना पड़ा कि आप लोग खुद से ही बोल दिए? हाँ, तो इसलिए तो गलत है. खुद से ऐसा कोई लिंक नहीं है. देयर इज नो लिंक. बट तुम लोगों को क्या है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल. अब बस समझ जाएंगे. मोहित भैया नहीं बोलेंगे, सब इतना बड़ा आदमी ये सब थोड़ी ना बोलेगा. ये तो खुद से समझने का होता है, तो खुद का बुद्धि होना चाहिए. ऑर्डिनरी बिजनेस है पक्का ओआर ही पास होता होगा, स्पेशल बिजनेस मैटर में पक्का एसआर ही पास. रब्बिश. खाली नाम ऑर्डिनरी सेम है, ऐसा कोई लिंक. ओबी में हमेशा ओआर लगेगा, एसबी में हमेशा एसआर लगेगा, ये सच नहीं है. ओबी विल ऑलवेज रिक्वायर ओआर, एसबी विल ऑलवेज रिक्वायर एसआर. ट्रू और फॉल्स? तुम जब कंपनी से पढ़ोगे कंपनी. अच्छा, एक बच्चा अभी नींद से जागा होगा, बोलेगा अच्छा उल्टा चाहिए ओबी में एसआर एसबी. नहीं, ये हम काटे हैं, ऐसा लिंक नहीं है. मतलब जब तुम पूरा कंपनी से पढ़ोगे, हम तुमको दिखाएंगे कि कुछ कुछ ओबी ऐसा भी है जहां पर ओआर है, और कुछ कुछ ओबी ऐसा भी है जहां पर एसआर है, कुछ कुछ एसबी ऐसा भी है जहां पर ओआर पास होता है, कुछ कुछ एसबी ऐसा भी है जहां पर एसआर पास होता है. मतलब ओबी रिक्वायर ओवर ऑल्सो एसआर ऑल्सो, एसबी कैन रिक्वायर ओवर ऑल्सो एसआर ऑल्सो. जैसे अभी बात बात में मेरे मुंह से निकला था चेंजिंग द नेम. इज्जत से बताओ, चेंजिंग द नेम के अड्डा है? चेंजिंग द नेम के अड्डा में आ रहा है तो वो क्या है? स्पेशल बिजनेस. चेंजिंग द नेम क्या है? स्पेशल बिजनेस. बट उसमें हम दो केस बताए थे, ओआर भी लग सकता अगर सरकार बोलेगा तो ओआर, खुद से करेंगे तो ऐसा. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ओबी विल रिक्वायर एसबी विल रिक्वायर. नहीं, there are some matters of ordinary business which will require OR, there are some matters of ordinary business which requires SR, there are some matters of special business which require OR, and there are some matters of special business which require SR. So there is no link between them. Are we through with this? Aur mere buddhiman bachcho, abhi jab OR SR jab padha rahe the, OB SB to abhi padha hai, uske pehle OR SR padha rahe the, chik chik karke chillaya ki pura 470 section padhna padega, tab ja karke pata chalega kaha OR lagta hai kaha aisa lagta hai. Bola tha ki nahi bola tha? As the classes will go on, you will be enlightened. But you are enlightened now only. Well, हम लोग समझ गए. अगर ऐसा होता कि ओबी में ओवर लगेगा एसबी में, तो हम खुद से बोल देते. समझाया क्या बोला? तो ऐसा कोई लिंक नहीं. अच्छा, ओबी को प्यार से क्या बोलते हैं? हाँ, ओबी यानी अड्डा केवल एक ही जगह लगेगा, एजीएम, और कहीं नहीं लग सकता. ओबी का मतलब यानी अड्डा, अड्डा लगाना है तो क्या बोलोगे? एजीएम. अड्डा एक ही जगह लगेगा, एजीएम, और कहीं नहीं लग सकता. अरे थ्रू विद दिस, सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अड्डा यानी ओबी कैन बी ट्रांजैक्टेड ओनली एट एजीएम. कहने से एजीएम में खाली ओबी लगेगा. कहने से एजीएम में खाली ओबी लगेगा. जो ये बोल दिया ना, समझ लो तुम्हारा लॉ का इंटरप्रिटेशन तुमने स्टार्ट कर दिया है, और तुम एकदम जो है ना 100% तुमको कोई रोक नहीं सकता पास होने से, जो ये चीज खुद से समझ गया लॉ का. हम लोग बोले ओबी विल बी ट्रांजेक्टेड ओनली एट एजीएम. कहने से एजीएम में खाली ओबी लगेगा. डिस्लेक्सिया अच्छा कंफ्यूज है, बोला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ही तो हो रहा है, मीनिंग कैसे बदल जा रहा है? ओबी खाली कहां लगेगा? ओबी खाली कहां लगेगा? लेकिन हम लोग ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि एजीएम के अंदर खाली ओबी लगेगा. रेस्ट्रिक्शन ओबी के ऊपर है, रेस्ट्रिक्शन ओबी तुम्हारे ऊपर है, तुम खाली एजीएम में लगोगे. आपको हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग इससे बात, तुम बेटा खाली एजीएम में लगेगा. नहीं, आप, आपको जिसको लगाना लगाइए, आप लगाइए ना, एसबी भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं. तुम्हारे ऊपर, तुम खाली कहां लगेगा एजीएम? आर वी थ्रू विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स? श्योर. जैसे मान लो ये बच्चा जय, जय का भाई बहन या मम्मी पापा जो भी था, जय को बोल दिया देख बेटा तुम खाली मोहित भैया के पड़ेगा. तो चीज समझो, रेस्ट्रिक्शन तो इसके ऊपर है ना,
इसको बोला कि ए तुम लॉ डेट खाली मोहित भैया के पड़ेगा, तुम खाली मोहित भैया के पड़ेगा, मतलब ये खाली मेरे यहाँ पड़ेगा, हम खाली इसको पढ़ाए, हम इसको गुदे में उठा करके खाली पढ़ाए, संभव नहीं है ना। तो रेस्ट्रिक्शन इज ऑन, वो भी खाली कहां लगेगा? पक्का? इसका मतलब एजीएम में एसबी भी लग सकता है। अच्छा, बात बाकी जो एनी अदर जनरल मीटिंग बाकी रहा, एनी अदर, अरे क्या बाकी रहा एनी अदर जनरल मीटिंग, ईजीएम, सीएम, एक्सट्रॉनिक जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग, उसमें क्या ओबी लग सकता है? उसमें खाली क्या लगेगा? ओबी क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ओबी को तो हम लोग बोल दिए थे कि ओबी खाली कहां लगेगा? पक्का? यानी बाद बाकी जनरल मीटिंग में तो खाली एसबी लगेगा, पक्का ना एकदम? सो फार सो गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर? थ्री। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ कंपनीज। वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है? वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तीन प्रकार के कंपनी हो सकते हैं, ओबीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में जान लो तो अच्छा है, लाइफ आसान हो जाता है। ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 का सबसे बड़ा एडवांटेज था, कंपनीज एक्ट 2013 का सबसे बड़ा एडवांटेज था वन पर्सन कंपनी। एक इंसान भी कंपनी खोल सकता है, अकेले अकेले एक इंसान भी कंपनी खोल सकता है। मैंने जब कंपनी खोला था तो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट नहीं था, नहीं तो ऑब्वियस बात है आई एम द होल एंड सोल ऑफ द कंपनी, बट मेरे को फिर भी अपने मम्मी को शेयरहोल्डर और डायरेक्टर बनाना पड़ा, क्योंकि अकेले इंसान को लोग कंपनी नहीं खोलने देते थे। नहीं समझ आया? अब मेरी मम्मी को जबरदस्ती बुक्स में एज अ शेयरहोल्डर, एज अ डायरेक्टर जो है बनाना पड़ा। डज शी रियली टेक एक्टिव पार्ट इन द एनुअल जनरल मीटिंग एंड द एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी? हा, Obviously not. Just imagine, हम लोग के प्राइवेट कंपनी में दो शेयर होल्डर हैं, हम और मेरी मम्मी, हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते होंगे, हम चेयरमैन, मम्मी शेयर होल्डर, और मैटर्स डिस्कस करते होंगे। समझ आ रहा है? मम्मी खाली साइन कर देती है, मम्मी खाली हमको जो डिसीजन लेना रहता है कंपनी के बारे में हम ले लेते हैं, उसको मिनट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब फैसला ले लिया जाता है तो मिनट्स बनता है, और फिर मिनट जो है मम्मी क्या कर देती है, हो गया, बुद्धि में नहीं जा रहा है। जब इतने सारे से होल्डर हो तब दरकार पड़ता है ना, अरे बाबा क्या मेरा प्राइवेट कंपनी एजीएम करता है? हां, लॉ के नजर में करना पड़ता है। अरे कानूनी तो करना ही पड़ता है, सर बुद्धि में नहीं जा रहा है, क्या बोलेंगे? जा रहा है सर, जा रहा है। ओके, अब यहां पर देखो, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सब के बारे में जान लो। इन लोग का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है, डायरेक्टर्स कितना होता है? हाँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम वन पर्सन कंपनी में, वन पर्सन कंपनी मतलब तो वन मेंबर कंपनी हुआ ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर दोनों। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, सुनो ना, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए क्या होता है ना, हम लोग को दो मेंबर इकट्ठा करने चाहते हैं, दो मेंबर इकट्ठा करने पड़ते हैं, मैक्सिमम 200। 50 जो बोल रहे हो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से आया है, 50 समझ में आ रहा है? अच्छा, 5-6 साल पहले होता था। पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स, और क्योंकि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी मतलब हम लोग पब्लिक से रुपया मांग सकते हैं। नहीं समझ में आया? इसका गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है, पब्लिक के वेलफेयर और हितों के कामों से कोई संबंध नहीं है। ये तो बहुत सारे बच्चे जैसे पब्लिक कंपनी सुनते हैं ना, पब्लिक वेलफेयर होगा या मुंडू होगा, वो चैरिटेबल कंपनी होता है। अच्छा, सरकारी कंपनी होगा, मुंडू होगा तुम्हारा, वो पब्लिक सेक्टर होता है। गलती इकोनॉमिक्स का है, पब्लिक सेक्टर तुम लोग पढ़ कर गया है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट डोंट, वो सही है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट डोंट, बट यहां सेक्टर का बात नहीं हो रहा है। पब्लिक सेक्टर अलग है, पब्लिक कंपनी अलग है,
सर क्या फर्क होता सर, प्राइवेट कंपनी जो है ना वो पब्लिक से, जनरल पब्लिक से रुपया नहीं मांग सकता, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से रुपया नहीं मांग सकता। जैसे मेरा प्राइवेट कंपनी है ना, हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, हम तुम लोग कभी शेयर इशू करेंगे, पैसा लगाओ शेयर इशू कर देंगे, नहीं हो सकता। उसके लिए मेरे को पब्लिक कंपनी खोलना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी जो है ना वो पब्लिक से रुपया ले सकते, इसलिए तो नाम क्या रखा गया पब्लिक कंपनी, यू अंडरस्टैंड, अनलिमिटेड। हिंदुस्तान में पब्लिक कितना है कोई गिन सका है? 125 करोड़, वो एक अंदाजा है, अनलिमिटेड। सुनना, 1% कंपनी मतलब एक इंसान है, ठीक है? इट इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी इज जस्ट लाइक अ, मतलब पूरे एक्ट के दौरान तुम देखोगे ओपी के बारे में लिखा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि लॉ मेकर्स ने शुरू में ही बोल रखा है कि ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए जो हम लोग कानून बनाएंगे वही कानून ओपीसी के ऊपर लागू होगा। हाँ, ओपीसी को अगर कुछ एग्जेम्पशंस अलग से बोल रहे हैं कि ओपीसी ये नहीं फॉलो करेगा तब ओपीसी वो फॉलो, बट जहां पर कुछ नहीं बोल रहे हैं ओपीसी इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी के ऊपर वही कानून होगा जो प्राइवेट कंपनी। सर समझ में आ गया, चुप हो जाइए। वन वन कंपनी में मेंबर बताओ, मिनिमम वन, मैक्सिमम वन, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए दो, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के लिए 7। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन तुम लोग का दूर हो गया, क्या है पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी, चैरिटी, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक से रुपया लेना अलाउड है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, पब्लिक कंपनी, पक्का। दूसरा मिसकंसेप्शन ये रहता है कि प्राइवेट कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा प्राइवेट होगा, फैमिली मेंबर्स, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। प्राइवेट कंपनी मतलब तुम लोग को ऐसा लगता है खून का रिश्ता होना चाहिए, बट प्राइवेट कंपनी मतलब हम जनरल पब्लिक से रुपया मांग नहीं सकते, हम ऐसा नहीं, हम स्पेसिफिक ऑफर दे सकते हैं, फिर भी बहुत ध्यान से सुनना, टेक्निकल है। प्राइवेट कंपनी जनरल ऑफर नहीं दे सकता कि आओ कोई भी आकर के पैसा लगा दो और शेयर ले जाओ, वो जनरल ऑफर हो गया। प्राइवेट कंपनी कैन स्टिल मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी कैन स्टिल मेक अ, नाउ यू आर टू न्यू एंड टू यंग एंड टू इमैच्योर टू अंडरस्टैंड प्राइवेट प्लेसमेंट, वो आएगा सेक्शन 42। सेक्शन क्या बोला, कब से जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट आप ठोक दिया सेक्शन 42, ऑल्ट्रेशन बोले थे सेक्शन 61, बिल्कुल सही, रिडक्शन सेक्शन 66 बोले थे, चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13 बोले थे, तो मैट तेरे हाथ में ही है ना, भरोसा नहीं है तो खोल ले, भरोसा नहीं है तो खोल, खोल ना, भरोसा नहीं है तो, अरे सर सेक्शन ढूंढने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा ना पूरा लाइन भाई, अरे यार पूरा मैट तो सेक्शन वाइज बनाया हुआ है, सेक्शन 42 खोल, अरे खोल ना सेक्शन 42, और उसी के आसपास होगा, पेज 42 के आसपास ही होगा, पहले एक दो पन्ना में बच्चा ढूंढ रहा है सेक्शन 42। सेक्शन 42 देख, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसा बच्चा है, अरे सेक्शन 42 नहीं दिखा प्राइवेट प्लेसमेंट, कैसा बच्चा लोग है यार, मिला प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन कौन सा, 42, पे नंबर 50। अब सेक्शन 13 में आ, चेंज ऑफ नेम दिखेगा, शुरू में होगा ना सेक्शन 13, तो 14, 15, 16 के आसपास एक मिला चेंज ऑफ नेम, पे नंबर 15 में सेक्शन 13, पे नंबर कौन सा 50 बोल रहे हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट के पीछे पड़ा है मेरे ख्याल से, पे नंबर 31 सेक्शन नंबर 13 दिखा, तो वो सब अभी खत्म हो गया क्या, खत्म, नाम आ रहा है ना इसलिए बोल रहा था मैं। अब यहां पर देखो, प्राइवेट कंपनी में सबसे बड़ा गलतफहमी तुम लोगों को यह रहता है कि फैमिली का पैसा लगा, फैमिली मेंबर का लगा, माय फुट, ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी जनरल ऑफर नहीं दे सकता, स्पेसिफिक ऑफर दे सकता है। मेरे को बताइए करोड़पति है और ये मेरे कंपनी में पक्का पैसा लगाएगा, इसको भरोसा है, स्पेसिफिक ऑफर देगा इसका नाम लेकर के, इसका नाम लेकर के स्पेसिफिक ऑफर देगा, हाँ हाँ ले रहे हैं साकेत, मैं आपको स्पेसिफिक ऑफर देता हूं
एक लाख शेयर का, ठीक है, 10 रुपया फेस वैल्यू है एट ए प्रीमियम ऑफ 40. एक लाख से 10 रुपया फेस वैल्यू एट ए प्रीमियम ऑफ 40, मतलब 50 रुपया इशू प्राइस हो गया. एक लाख 50 बोलेगा 50 लाख. ये स्पेसिफिक ऑफर है, ये प्राइवेट कंपनी कर सकता है. बुद्धि में नहीं जा रहा क्या बोल रहे हैं, बना रहा है. मतलब मेरा प्राइवेट कंपनी है ना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? पब्लिक इशू लेकर के आए हैं, एनी वन कैन सब्सक्राइब. वो कौन कर सकता है? लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, साकेत हम आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, एक लाख शेयर का 50 रुपया करके. ये हम कर सकते हैं. आर वी थ्रू विद दिस? क्या ये पब्लिक है? ये पब्लिक है, ये अकेला लड़का पब्लिक है. सुना है क्या बोल रहे हैं? पब्लिक मतलब जनरल. पब्लिक ऑलवेज मींस जनरल, विच प्राइवेट कंपनी कैन नॉट डू, बट आई कैन मेक अ स्पेसिफिक ऑफर. ओके, तो मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ क्या? ओपीसी इज जस्ट लाइक अ, और प्राइवेट कंपनी पब्लिक से रुपया मांग स्पेसिफिक ऑफर कर सकता है. पब्लिक कंपनी तो जैसे रुपया मांगेंगे ना, पता ही नहीं है किससे रुपया मांग रहे हैं. रुपया चढ़ाएगा तब पता चलेगा नाम. अरविथ्रो बुद्धिस, तो सर आपका प्राइवेट कंपनी भी तो हम लोग से रुपया मांगा, आपको भी तो हम लोग का नाम नहीं पता था. अरे ये शेयर होल्डर नहीं हो तुम लोग, ज्यादा सीरियसली मत ले लेना जब हम लोग बोलते हैं वेलकम टू द जनरल मीटिंग. लास्ट शेयर होल्डर है वो, आई कट शेयर नहीं है तुम्हारा, यू आर द क्लाइंट्स ऑफ द बिजनेस. समझ में आया? ओके, यहां तक क्लियर है? अब ये सबको संभालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? ये सबको संभालने के लिए 1 2 3 गिनना आता है? गेंद चालू कर. बस मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ओबीसी में कितना रहेगा? ओबीसी में 1 रहेगा, प्राइवेट में 2 रहेगा, पब्लिक में 3. मिनिमम नंबर ऑफ क्या बात हो रहा है डायरेक्टर? 1 2 3. डिस्लेक्सिया वाला बच्चा भी हम लोग यहां पर मौजूद है. फाउंडेशन में 50% रिजल्ट होने के कारण एक दो बच्चे को डिस्लेक्सिया है, उन लोग भी पास हुआ है. उन लोग अभी तो ये आदमी 1 2 7 बताया था, 1 2 तो ठीक है, ये 7 3 कैसे हो गया? ये डायरेक्टर है, ये मेंबर है, फर्क है दोनों में. 1 2 3. मैक्सिमम ना 15 डायरेक्टर रख सकता है कंपनी, मैक्सिमम. मेरा बच्चा लोग बोलेगा एक कंपनी मैक्सिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है? 15. पक्का? क्या ओपीसी भी 15 डायरेक्टर रख सकता है? ओपीसी 15 डायरेक्टर रख सकता है? हाँ के 1 बोलो. हाथ उड़ा जो 1 बोल रहा है. डर के आगे जीत है. फुल हैंड यार, ओपीसी यार, 1% 1% कंपनी में भी 15 डायरेक्टर रहेगा कि 1? एक वाले बच्चे हाथ उठाओ जिन लोगों को लग रहा है एक रहेगा. डर के आगे जीत है, कभी कभार, खाली कभी कभार, हमेशा नहीं. फुल हैंड. तुमको 15 दिखाई नहीं दे रहा बेटा? लिखा हुआ है 15, गोला भी कर दिया, वो क्या करे? तुम एक ही पे के पीछे पड़े हो. सर यहां एक था ना सर. अरे वो मेंबर है रे, डायरेक्टर 15 हो सकता है रे कि 1? अभी भी जो अड़ा हुआ है हाथ उठाओ कि नहीं सर, है तो 1% कंपनी ही. देखिए है तो आगे चाहे कुछ भी हो जाए 1% कंपनी. सच सच अभी भी जिसके मन में लग रहा है नहीं यार एक ही होगा यार. फुल एंड इसमें इट्स ओके, गलत हो, इट्स ओके, इट्स नेचुरल, यू आर अ स्टूडेंट. अच्छा ये समझ परवाह करना, इज्जत चला रहेगा, कहां चला जाएगा? फुल एंड जिसको लग रहा नहीं सर एक ही होगा, अभी भी लग रहा है बेटा तेरे को, हाथ उठा, इससे शर्माने का बात नहीं है. फुल एंड इससे शर्माने का बात क्या है? पूरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए. आप लोग सामने ये इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग होगा, आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बॉडी से आप लोग. अरे भाई 15 लिख दिए हैं, एक नहीं, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं दीदी? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक ही होगा डायरेक्टर? नहीं तो एक क्यों होगा आपको, ऐसा क्यों एक होगा? क्योंकि 1% कंपनी है. तो दीदी आप समझो, 1 out of respect. हा गर्ल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, 1% कंपनी मतलब क्या? ओनली 1 मेंबर विल बी देयर, तो मेंबर तो 1 ही है.
मेरा कंपनी 1% कंपनी मान लो है, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, ग्लोबलाइज हो गया, वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस खोल दिया, डायरेक्टर्स नहीं रख सकता मैं मैनेज करने के लिए. तो जैसे हर जगह 15 है, यहां पर भी मैक्सिमम 15 है. 1% कंपनी मतलब मेंबर वन, उसके जीवन में सब कुछ वन नहीं, मतलब 1% कंपनी है, डायरेक्टर भी वन ही रहेगा, कस्टमर भी केवल एक ही रखेंगे, ओनली वन कस्टमर इन आईयर, सप्लायर एक, एम्प्लॉय एक, सब कुछ एक, खाली मेंबर एक, बाद बाकी सब अनेक. पक्का? अब लॉजिक लगाओ ना यार. 1% कंपनी मीन्स हैविंग ओनली 1% एज अ मेंबर. बट इफ माई 1% कंपनी हैज एक्सपेंडेड, आई नीड टू हैव मोर डायरेक्टर्स टू मैनेज अ कंपनी जस्ट लाइक अदर कंपनीज. सो जस्ट लाइक अदर कंपनी आई कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर. और एक्ट तो क्या बोलता पता है कि 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हो. 15 मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को 15 से रखो, बाईपासिंग एसआर इन जीएम. सर एसआर इन जीएम क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. वोट्स इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 times ऑफ द वोट्स अगेंस्ट. करके दिखाते हैं. 200 डियर शेयर होल्डर्स, डियर शेयर होल्डर्स, वेलकम टू द जनरल मीटिंग ऑफ एमएल लिमिटेड. आप लोगों को जानकर के खुशी होगा कि हम लोग वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस खोल चुके हैं. इसके लिए हम लोग के 15 डायरेक्टर्स जो है ना वो कम पड़ रहे हैं. तो लेकिन कानून में लिखा हुआ 15 डायरेक्टर ही अलाउड है, बट कानून ये भी बोलता है मालिक लोग से पूछ करके हम लोग 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं. तो क्योंकि हम लोग का वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन हो चुका है, आज आप लोग का मीटिंग बुलाया गया सो दैट वी कैन टेक योर परमिशन बाई पासिंग एसआर इन जीएम. वोट इन फेवर वाले बच्चे हाथ उठाएंगे, वोट इन फेवर शेयर होल्डर की 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना है. जिन लोग चाहते हैं कि हाँ वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन जो है वो रुके नहीं, तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना है. तुम ही लोग शेयर होल्डर है, हाँ, वोट इन फेवर, वोट इन फेवर. कंपनी सेक्रेटरी वोट काउंट करेगा, ये सब वोट वगैरह गिनने का काम किसका रहता है? कंपनी सेक्रेटरी का. वोट इन फेवर, वोट इन फेवर, फुल हैंड लाइक दिस दिखना चाहिए. हाँ, वोट अगेंस्ट, वोट अगेंस्ट, दो वोट अगेंस्ट में आया है उसका 3 गुना करेगा, 6, बहुत फेवर में आ चुका था, समझ आया. और जिन लोग वर्चुअल रूम में बैठे हैं उन लोग के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगा अंडर सेक्शन 108, ई वोटिंग अंडर सेक्शन 108. अच्छा ठीक है, अभी सुन. ए तो एसआर इन जीएम पास करके 15 से भी ज्यादा हम लोग रख सकते हैं. अरे थ्रो विद दिस, अब सुनना मजा का बात. 1% कंपनी में एक बच्चा बोलेगा ओआरएसआर कैसे होगा? ओआरएसआर, अब मान लो 1% कंपनी है, मैं अकेला ही मेंबर हूं. अरे मैं अकेला मेंबर हूंगा ना 1%, तो मेरे जो मर्ज में आएगा मैं करूंगा. मैं अगर बोल रहा हूं ये करूंगा फेवर में, एक टोटल कितना? एक ही वोट है फेवर में, एक टोटल में, एक इंटू 100 कर 100%. मैं ही हूं ओवर, मैं ही हूं एसआर. सुन मैं 1% कंपनी में मक्खन एकदम, सो फार सो गुड. अब सुनो, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तुमको खाली कंपनी का नाम, तुमको उस नाम से पहचानना है कि 1% कंपनी की प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है. तुमको पूरा विस्तार से लिखा हुआ नहीं रहेगा, खाली क्वेश्चन का नाम दे देगा और बोलेगा इसका प्रोविजंस बताओ, खाली कंपनी का नाम दे देगा. तो पब्लिक कंपनी के लिए अलग कानून है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग रूल्स बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं. तो उस समय तुम झगड़ा करना चालू कर दोगे, और कुछ बताया नहीं, क्वेश्चन तुमको बैठा करके बताएगा ये ना पब्लिक से पैसा ले सकता है, तब तुम समझेगा पब्लिक कंपनी है. खाली नाम से पता चल जाएगा, समझ में आया. ओपीसी का नियम है कि वो अपने नाम के बाद ओपीसी पीवीटी एलटीडी लिखेगा. जो भी वो कंपनी का नाम रखेगा उस नाम के बाद वो हमेशा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा. प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी है वो पीवीटी एलटीडी लिखेगा. मेरा मैट के पीछे देखो, मोहित डॉट कॉम के बाद मेरा नाम है मोहित डॉट कॉम, मेरा नाम है मोहित डॉट कॉम. देखो बाद में पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ रहेगा, ढूंढो रे कैसे बच्चे हैं, कहां है मैट, ठीक है रहने दो. दिखा पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ, मतलब ये कौन सा कंपनी है. और अगर पब्लिक कंपनी है खाली एलटीडी लिखा हुआ रहेगा, मतलब एक एक तो हटते जा रहा है. पहले ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओबीसी हटा प्राइवेट लिमिटेड, फिर खाली एलटीडी. पक्का? श्योर? आप बताइए, खड़े होइए. या यू टेल अस, मान लो एक ऐसा कंपनी है
से फॉर एग्जाम्पल एम एंड कंपनी, नो प्रॉम्प्टिंग, जिससे जो पूछा जाएगा वही बताएगा उस समय. इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर, नॉट अ पब्लिक ऑफर. एम एंड कंपनी, यू टेल अस, एम एंड कंपनी इज अ वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक? बेटा आंसर अंदर रखना, नहीं तो तुम बाहर जाएगा. इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये ओपीसी है कि प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है? ओपीसी है. आप गलत हैं, थोड़ा क्लास में ना अटेंटिव रहिए. मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, आप बैठे आराम से, होने वाला है तब दिक्कत हो जाएगा. अटेंटिव रहिए, एकदम चेरिश करके, एंजॉय करके पढ़िए. नेगेटिविटीज को भूल जाइए, पॉजिटिविटीज पे ध्यान लगाइए. अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि ये कंपलसरी है कि ओबीसी के नाम के बाद क्या लिखा हुआ रहेगा? यहां लिखा हुआ है क्या ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड? तो ये वन पर्सन कंपनी. तो एक बच्चा बोल रहा है वहां से, प्राइवेट कंपनी, हम तो पहले ही बोले थे. क्या यहां लिखा हुआ है पीवीटी एलटीडी? तो ये प्राइवेट कंपनी. क्या एलटीडी लिखा हुआ है? तो ये पब्लिक कंपनी. अगर ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी. पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ, इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी. एलटीडी नहीं लिखा हुआ, इट्स नॉट अ पब्लिक कंपनी, विच मीन्स इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म. ये एक पार्टनरशिप फर्म है. बट आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग जा करके एम एंड कंपनी, कंपनी लिखा है ना रे, आप उसके ऊपर कंपनी से कंप्लायंस कर देंगे. बेचारा पार्टनरशिप फर्म है, उन लोग तो गोगा है, और तुम बेटा पूरा कंपनी से उसके ऊपर ठोक देगा. पार्टनर लोग भी डरे, तुम पूछ रहे हैं एजीएम हुआ ही नहीं आप लोग का? बोला कभी नहीं किए. बोला अब हम आ गए, अब से होगा. लास्ट में पता चला डेस्क कंपनी नहीं था. इतना तुमको पीटेगा ना वो, समझ आ रहा है? तुमको कंपनी से पढ़ना ही, तुमको ये तो पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी पहचानोगे कैसे. ओके, तो सर यहां कंपनी क्यों लिखा हुआ है? हट, फाउंडेशन पास किया है तो ये पार्टनरशिप फर्म है. ये वो वाला कंपनी नहीं है, ये साथ वाला कंपनी है. ट्यूशन जा रहे हैं, चलना कंपनी देना. ट्यूशन में भी तो कंपनी चाहिए, अकेले नहीं जाएंगे. कॉफी पीने जा रहे हैं, सुनना हम कॉफी पीने जा रहे हैं, कंपनी देगा क्या? एक कॉफी के लिए आप कंपनी मांग ले रहे हैं? कंपनी मतलब साथ मांग रहे हैं. एम एंड साथ, बनवाया तो ये साथ मतलब समझ आ रहा है, फर्म, साथी लोग, पार्टनर लोग. सीनियर पार्टनर का नाम पहले रहता है, चंगो मंगूला का नाम यहां एंड कंपनी. हाँ ऐसे ही है. एक फॉर्म में कितना पार्टनर हो सकता है मैक्सिमम? तुम लोग फाउंडेशन पास नहीं किया ना, डायरेक्ट एंट्री है क्या तुम लोग सबका? एक फर्म में प्राइम मिनिस्टर का भी हो तो क्लास में डिस्टर्ब नहीं करते, अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी हो. एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 100 एज पर एक्ट, 50 एज पर रूल्स. फाइनली बताओ, 50. एक फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं. और मान लो हम लोग 50 पार्टनर है, सबका नाम डाल दे. हम लोग का फर्म का नाम पता है क्या है? कोई पूछेगा नाम क्या है? बोले बैठो बैठो, एम ए कॉमा राम कॉमा श्याम जोदू मोदू. अभी 5 ही हुए. बोले हमको धंधा ही नहीं करना, हम जा रहे हैं. तो इसलिए वो चंगू मंगलों का नाम एंड कंपनी. बट ये कंपनी सेक वाला कंपनी ही नहीं है. कंपनी सेक वाला कंपनी के लिए या तो लास्ट में ओपीसी पीवीटी एलटीडी या फिर पीवीटी एलटीडी या फिर एलटीडी लिखा हुआ रहेगा. आर वी थ्रू विद दिस बॉस एंड गर्ल्स? श्योर. जैसे लास्ट क्लास अपने रिलायंस का बात किए थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी. या ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सो फार सो गुड. आप लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013. आप लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 एज अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019. याद रखिएगा, पढ़ क्या रहे हो? तो बोले हम लोग कंपनी से 2013 पढ़ रहे हैं.
नाउ आप पढ़ रहे हैं कंपनी सर 2013 कभी भी कंपनीज जो है ना एपोस्ट्रोफी एस में मत लिख देना आंसर वहीं काट करके फेंक दिया जाएगा कुछ बच्चों का आदत है ऐसे कंपनी अच्छा बोर्ड पे जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे बार बार ये नहीं लिखेंगे कंपनी एक्ट दो तेरा बट तुम एग्जाम में ऐसा नहीं लिख कंपनी एक्ट या फिर कुछ बच्चा लोग को कंपनीज खाली सुनता है उन लोग को दिखता नहीं है तो उन लोग कंपनीज कैसे लिखेगा ये बहुत जन का प्रॉब्लम है अभी सब लोग हाथ नहीं उठाएगा वो अलग बात है बहुत जन का समस्या है ये कंपनीज एक्ट मतलब एक कंपनी के लिए बनाया गया है इतना मेहनत हम लोग एक कंपनी के लिए किए हैं कि सारे कंपनीज के लिए सारे कंपनीज का एक्ट है 2013 पक्का एक्ट का ए हमेशा क्या रहेगा तो कंपनीज एक्ट 2013 प्रिंसिपल एक्ट है दिस योर प्रिंसिपल एक्ट एज अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 2019 कंपनीज ऑर्डिनेंस बार में अमेंडमेंट अंदर ठीक है कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 तुमको ये पढ़ना है जो मेरे मैट है मेरे मैट के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 घुसाया हुआ है अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 भी घुसाया हुआ है अमेंडेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 भी घुसाया हुआ है ऑर्डिनेंस 2019 घुसाया हुआ नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे भी टेम्पररी है इसका कोई माई बाप नहीं है बेटा घुसा अगर हम लोग घुसा दें मैट के अंदर ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 लोकसभा राज्यसभा बोल दे नहीं इनवैलिड तब हम मैट से निकालेंगे कैसे आप समझ रहे मेरा समस्या समझ रहे हैं ये तो टेम्पररी है ना रे बाबा 2019 समझ गए सर तो फिलहाल आपको ये पढ़ना है ये कभी ना कभी क्या बन जाएगा या तो एक्ट बन जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा पक्का ना जब लोकसभा राज्यसभा दोनों खुल जाएगा वहां से कितना हफ्ता के अंदर 6 हफ्ता जिस दिन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 एक्ट बनेगा उसी दिन मेरा वादा है कि आप लोगों को मैसेज जाएगा सेम डे याद रखना हा कि हम मैसेज करेंगे नाउ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इज नाउ एन एक्ट पक्का तो इसके जो भी अमेंडमेंट्स है ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है इसके इसके जितने भी अमेंडमेंट्स है वो हम जब पढ़ा रहे होंगे सारा सेक्शन तो अमेंड नहीं हुआ है भगवान जो भी 10-15 सेक्शन में अमेंडमेंट है 148 में जो भी 10-15 सेक्शन में अमेंडमेंट है वो आप लोग को 10-15 अमेंडेड वाला ही हम पढ़ाएंगे ठीक है सर ओके समझ में गए तो पढ़ना कंपनी एक्ट 2013 अमेंडेड बाय कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 एंड कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 कब आया 12 जनवरी से लागू हुआ 12 एक्चुअल में तो 2018 में भी ऑर्डिनेंस आया था हम आपको बताए थे उसी को वापस से लाया गया 12 जनवरी 2019 ठीक है सर डेट से हम लोग को मतलब नहीं क्लियर है नाउ लिसन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट एंड रिपील्ड दो अलग अलग शब्द हैं रिपील्ड अलग होता है अमेंडमेंट अलग होता है अमेंडमेंट मतलब प्रिंसिपल एक्ट वही है उसके अंदर कुछ सेक्शंस को बदला गया नहीं समझाया जैसे प्रिंसिपल एक्ट रिमेन्स व्हाट सेम उसके अंदर जो कुछ बातें लिखी हुई थी उनको इन्होंने 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 मिलकर के चेंज किया बट हम लोग का माई बात प्रिंसिपल एक्ट वही है कंपनी एक्ट 2013 मतलब जब आप आंसर लिखेंगे एज पर कंपनी एक्ट 2013 लिखेंगे यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ये होता है अमेंडमेंट रिपील्ड मतलब क्या होता है रिपील्ड मतलब एन एक्ट गेटिंग ऑब्लिटरेटेड रिपील्ड का इंग्लिश मतलब है ऑब्लिटरेटेड सर यही अच्छा था इसको हिंदी में समझाए उखाड़ करके फेंक देना बोलो उखाड़ करके फेंक देना तो जो कंपनीज एक्ट 1956 था ना कंपनीज एक्ट
19. That was not amended by Companies Act 2013. It was repealed, obliterated by the Companies Act 2013. Ukhaad karke fake diya gaya by Companies Act 2013. The Companies Act 1956 was repealed. Repealed yani obliterated. Ukhaad karke fake dena by Companies Act 2013. But Companies Act 2013 has not been repealed or obliterated. It has only been amended by these ones. But Companies Act 1956 was not amended. It was repealed. Obliterated. Ukhaad karke fake diya gaya by Companies Act 2013. Arvind Thiruvan Dutt's Boys and Girls. How many bodies? Machineries? तो कंपनी लॉ के भी तीन मशीनरी होंगे. हम लोग मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ का बात कर रहे हैं. मशीनरीज ऑफ लॉ का बात कर चुके थे ना, तो मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ भी तो तीन तो होंगे. हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ. सो मंजीत, ओपन द डोर प्लीज. अरे क्या कर रहे हैं, डर गए थे. थ्री मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव. थ्री मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल. अब कंपनी लॉ स्पेसिफिक बात करना. हाँ, कंपनी लॉ स्पेसिफिक. लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब टू मेक द लॉ. लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या काम है? लॉ बनाना, टू मेक द. कंपनी लॉ का लेजिस्लेटिव बॉडी दो ठो है. कंपनी लॉ के अंदर एक्ट है, रूल्स है, एंड ऑर्डिनेंस. पक्का कंपनी लॉ में लेजिस्लेटिव बॉडी, एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, अथॉरिटी, मतलब वो बोल लो ऑर्डर. टू मेक द लॉ ना, एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बस इतना ही है. तो नया कंपनी लॉ के अंदर बाईलॉ और रेगुलेशन आपको नहीं मिलेगा. कंपनी लॉ के अंदर आप मेरे से क्या पढ़ने आए हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ने आए हैं कि कंपनी लॉ पढ़ने आए हैं? कंपनीज एक्ट पढ़ने आए हैं तो अभी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मेरे लिए खाली एक्ट अकेला पढ़ाना संभव नहीं. एक्ट के साथ मेरे को रूल्स पढ़ाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस. कितने लकी हो तुम लोग, ऑर्डिनेंस दिख रहा है. नहीं तो पिछला टर्म तक ऑर्डिनेंस दिखता नहीं था. अरे पहली बार ऑर्डिनेंस पास हुआ है कंपनीज एक्ट में. एंड ऑर्डर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पास करेगा टू फिक्स द पेनल्टी की फाइन. पेनल्टी पक्का. तो कंपनीज एक्ट में अगर लेजिस्लेटिव बॉडी का बात करें, पार्लियामेंट है क्या? कैसे बच्चा लोग है यार इतना स्लो. कंपनीज एक्ट का कानून लॉ कौन बनाएगा? और स्टेट लेजिस्लेशन बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, बिकॉज कंपनी लॉ कम्स अंडर यूनियन लिस्ट एंड ओनली पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स. ओनली सीजी. ऑर्डिनेंस ओनली प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट. ऑर्डर अथॉरिटी. तो ये पार्लियामेंट, सीजी, प्रेसिडेंट, अथॉरिटी हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी. मक्खन एकदम. एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम है? इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट द लॉ. पता है कंपनी लॉ के अंदर लॉ इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट करने का काम किसको दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को. दोस्तों कंपनी लॉ के अंदर लॉ को इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? पार्लियामेंट वगैरह लोग लॉ बना दिया, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कौन चेक करेगा लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर. कंप्लायंस ऑफ लॉ किसका जिम्मेदारी है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट. ये आपका जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के कंपनीज लोग कंपनी लॉ फॉलो करें. अरविंद थ्रू विद दिस, इट इज हेडेड बाय अरुण जेटली. ठीक है, इट इज हेडेड बाय अरुण जेटली. इसका परमानेंट जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वो कौन है? मिस्टर अरुण जेटली. मिस्टर लगा दिया करो, मिस्टर लगा दिया करो, नहीं तो क्या हुआ था ना दो टर्म पहले. अरुण जेटली की जो नातिन है, मतलब ना अरुण जेटली उसका नाना लगा, वो लड़की पढ़ने आई थी क्लास के बाद, मेरे को आकर के बोली सर थोड़ा इज्जत से बोला करिए, वो मेरे नाना जी हैं.
हमने हम तो लगाए थे श्री, या फिर जो बड़ा बड़ा हस्ती होता है, अब उन लोग को मिस्टर अपने सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं, सचिन, अपना सचिन क्या खेलता था, नहीं समझ में आया। अनुष्का को आप लोग क्या बोलते हैं, अनुष्का ही बोलते हैं। विराट को आप लोग विराट ही बोलते हैं। बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग ऐसे ही बोले जाता है। सो एग्जीक्यूटिव टू इंप्लीमेंट द लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, हेडेड बाय श्री मिस्टर श्री श्री अरुण जेटली। ठीक है, अब सुनो, अब एक एक बात बता, अकेला ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इतना बड़ा हिंदुस्तान है, मुंडू कंप्लाई करवा सकेगा? समझ आ रहा है? तो क्या हुआ उसके लिए बताएंगे। एमसीए के अंदर और भी डिविजन है, बट पहले हम एमसीए को अलग से लेंगे। एक बार जुडिशियल खत्म कर देते हैं, जो इंटरप्रेट पास जजमेंट्स। कंपनी लॉ के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बोलो, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट। ये ऐसा कोर्ट है जो देश का कंपनी लॉ का केसेस सॉल्व करेगा। कोर्ट, पूरा शुरू से हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, देश का कंपनी लॉ का केसेस सॉल्व होगा इस कोर्ट में। नहीं समझ आया? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सोचो ना, नहीं तो क्या है, कोई भी अगर तुम कोर्ट में चले जाओगे, ऐसे ही बूढ़ा जज लोग बैठे हैं। और कंपनी सेक्ट 2013 मजाक नहीं करे, यही कारण था। पहले जब कंपनी सेक्ट 1956 था ना, अलग से कोर्ट नहीं था। जिस कोर्ट में डाइवोर्स हो रहा उसी कोर्ट में कंपनी लॉ का केस जाए, चलता था, क्योंकि जज लोग पढ़ा लिखा था ना रे बाबा, सारा लॉ पढ़ रखा था। बट फिर अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट छोड़ो, रिपील कर दिया कंपनी सेक्ट 2000। क्षमता है इस उम्र में नया एक्ट वापस से पढ़ने का, इंटरप्रेट करने का, और कंपनी सेक्ट 2013 में तो अमेंडमेंट्स आते ही रह रहा है, भयानक अमेंडमेंट्स आते रह रहा है, हर टर्म में भर भर के अमेंडमेंट्स है। क्षमता है उन लोग का कि स्पेशलाइज चाहिए, स्पेशलाइज कोर्ट में अलग से कोर्ट खोल दिया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नहीं खोला जाता तो यह एक्ट कभी जो है ना इंटरप्रेट ही नहीं होता। सुनाया? तो अब अगर आपको कोई दिक्कत है, इंसाफ होगा, मेरे मुंह से हमेशा ये निकलेगा, जब भी एनसीएलडी के बचाना होगा, बोले इंसाफ होगा, समझ जाना कहां जाना है, एनसीएलडी इंसाफ होगा, कहां होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो दीज आर वॉट स्पेशल कोर्ट्स, क्या स्पेशल कोर्ट्स लाइक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा, एनसीएलटी मान लो इंसाफ कर दिया, आप दुखी हैं, एनसीएलटी के फैसले से आप सहमत नहीं है, दुखी, आप अपील कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाकर, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। पहले आप कहां जाओगे, एनसीएलटी, एनसीएलटी से दुखी हो तो एनसीएल एटी में भी आप जा सकते हैं, उससे भी दुखी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी आप जा सकते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट से भी हम दुखी हैं तो गंगा जी, फिर असली इंसाफ वहीं होगा, एग्जाम में मत लिखना ये बात, गंगा जी वाला बात एग्जाम में नहीं लिखना है। तो एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सुप्रीम कोर्ट, तो इन लोग कंपनी लॉ को इंटरप्रेट करके क्या पास करते बताओ, जजमेंट्स। क्लियर है क्या दोस्तों? सो कंपनी लॉ का अगर हम लोग तीन मशीनरी की बात करें, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में कौन था, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सीजी, अथॉरिटी, इन लोग लेजिस्लेटिव था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का क्या काम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का काम है हिंदुस्तान में लॉ को इंप्लीमेंट करना। अब सुनो मजा का बात, एमसीए जो है ना, बेचारे अरुण जेटली जी ऐसे बीमार चलते रहते हैं, वो अकेला कहां हिंदुस्तान को संभालेंगे, या कोई भी मिनिस्टर अकेला क्या हिंदुस्तान को लॉ कम्प्लाई करवा देगा क्या, नहीं। तो एमसीए ने क्या किया, डिवाइडेड इंडिया इंटू 7 जोन्स। एमसीए ने इंडिया को डिवाइड कर दिया इंटू 7 जोन्स एंड अपॉइंटेड रीजनल डायरेक्टर इन ईच ऑफ दोज 7 जोन्स। हिंदुस्तान में एमसीए का काम है लॉ को कंप्लाई करवाना, लॉ को एग्जीक्यूट करना, लॉ को एग्जीक्यूट अलग अलग जोन में करने के लिए उसने 7
रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंट किया, सात इंसानों को अपॉइंट किया, सेवन पर्संस हैव बीन अपॉइंटेड इन दोज सेवन जोन्स, वन ईच इन वन जोन, विच मीन्स टोटल सेवन, एंड दोज पर्संस आर नोन एज व्हाट? रीजनल डायरेक्टर्स। ओए, ये कंपनी का डायरेक्टर से कोई संबंध नहीं है, मतलब हेड डायरेक्टर मतलब हेड, कॉलेज में भी होता है, डायरेक्टर नहीं बोलते हो, सीबीआई का भी डायरेक्टर होता है पता है, तो क्या कंपनी है, कंपनी से फॉलो करेगा, तो हेड ठीक है। इंडिया को सेवन जोन में डिवाइड किया गया एंड अपॉइंटेड सेवन रीजनल डायरेक्टर। तुमको यह भी जानना पड़ेगा कि वो रीजनल डायरेक्टर कहां है, हम बता रहे हैं, तो ना एग्जाम में भले ही नहीं पूछे सेवन रीजनल डायरेक्टर कहां है, बट जो चीज पढ़ रहे हो वास्तविकता से पढ़ना चाहिए ना, कि अगर सेवन जोन है तो कहां है, समझाया? कम से कम ले करके नहीं जाए, कम से कम बता तो सकते हैं। रेडी? सात आदमी लोग को बोला गया सेवन जोन को डिवाइड करके। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड टू हाउ मेनी जोन्स? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और तीन तो बता, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जो बोल रहा हूं गांजा ले रखा है, सात हो गया। साउथ वेस्ट में कुछ नहीं है ज्यादा, वहां पर कंपनी नहीं है, वहां दरकार नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब नॉर्थ जोन में जो रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस है वो एक ऐसा शहर में खोला गया, ऑब्वियस बता सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज में रखा जाएगा, नॉर्थ जोन में ऐसा शहर में रखा गया वहां से उसका पूरा नॉर्थ के ऊपर नजर रहेगा, पूरा नॉर्थ इलाका उसका। बताओ, सोच करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब। सो नॉर्थ जोन में रीजनल डायरेक्टर कहां रखा गया है? दिल्ली। मान लो तुम रीजनल डायरेक्टर हो दिल्ली वाले, दिल्ली से बैठ करके पूरा नॉर्थ इलाका तुम्हारा है, नॉर्थ इंडिया पूरा तुम्हारा, वहां लॉस तुमको कंप्लाई करवाना है। साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन है? साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट शहर चेन्नई। यार दीज आर मेट्रो सिटीज। ईस्ट का गनी बताओगे अभी कलकत्ता के बाहर कर देंगे, अभी यहां से बाहर कर देंगे, कलकत्ता से बाहर करवा देंगे ममता दीदी को बता करके, कुछ ना कुछ वो कर ही देगी। कोलकाता समझ में आया, हम लोग ईस्ट में है ना रे बाबा। ईस्टर्न इंडिया पूरा किसके हाथ में? ईस्टर्न इंडिया कलकत्ता का रीजनल डायरेक्टर, कोलकाता का रीजनल डायरेक्टर पार्कशीट में बैठता है। कोलकाता का रीजनल डायरेक्टर कहां बैठता है? पार्कशीट। कोई बच्चा बोलेगा निजाम पैलेस में बैठता था ना सर, वो आरओसी है। निजाम पैलेस एजीसी बोस रोड में जो है वो आरओसी है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रीजनल डायरेक्टर का, ये पार्कशीट में। वेस्ट तो भैया मुंबई, हैज टू बी मुंबई। तो देखो याद नहीं करना पड़ रहा तुमको, समझ में लॉजिक से बनाया गया ना रे बाबा। जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर होगा वहीं पर बैठाएगा और वहां से पूरा नॉर्थन इलाका संभालेगा। नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर दिखाते हैं नॉर्थ ईस्ट, जहां अभी थोड़े दिन पहले पुलिस कमिश्नर को भी बुलाया गया था शिवम। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। इंपॉर्टेंट है तभी ना वहां बुलाया। अरे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, राइट नाउ इट इज द कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, हैदराबाद। सही जवाब। ये सब एरियाज में आरडीज को खोला गया है। अरे समझा कि नहीं समझा? ये अकेला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हाँ, ये अकेला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अरुंदा, ये कहां से संभालेगा? सुन मैं, तो इंडिया को सेवन जोन्स में डिवाइड किया गया, यहां पर कौन है? रीजनल डायरेक्टर। अब रीजनल डायरेक्टर भी अकेला क्या उखाड़ लेगा? तो रीजनल डायरेक्टर के अंडर 22 ठो आरओसी है, 23 ठो ऑफिशियल लिक्विडेटर है। 22 आरओसी, 23 ऑफिशियल लिक्विडेटर। हर एक रीजनल डायरेक्टर के अंदर नहीं, सारे रीजनल डायरेक्टर लोग के सात रीजनल डायरेक्टर अंदर है, सात आरडी के अंदर मिला करके 22 आरओसी 23 ओएल। इन लोग के अंदर आरओसी और ओएल है, नहीं समझ में आया? तुम लोग आरओसी का नाम आज तक सुना होगा,
तुम लोग आज तक कंपनी लॉ में अगर सुना होगा तो आर ओ सी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर वही काम करता है। तुमको फॉर्म वगैरह फाइल करना है, फॉर्म फाइलिंग, इनकॉर्पोरेशन, ये सब कहां पर होता है बताओ ना? आर ओ सी। नहीं समझाया? बट वो किसके अंदर काम कर रहा है? और आर डी किसके अंदर काम कर रहा है? एमसीए। तो एमसीए के अंदर कौन है? कितना एमसीए कितना है? एक। उसके अंदर सात आरडी है, सात आरडी लोग के अंदर 22 आरओसी और 23 ओएल है। सर आरओसी का काम क्या है? फॉर्म फाइलिंग वगैरह, ठीक है, फॉर्म फाइलिंग, ये सब कहां पर होता है बताओ ना? आरओसी, फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड मैटर्स, फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कौन करता है बताओ ना? आरओसी। और सर ऑफिशियल लिक्विडेटर का क्या काम है? कंपनी को मार डालना, बंद करना, फाइंडिंग अप करना, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम है। तेज तो है सर, ज्यादा जन आजकल मारने वाले हैं, मोदी राज चल रहा है। नहीं समझ आया? अब मोदी जी का कभी भाषण वगैरह सुने हैं? 2 लाख सेल कंपनी को बंद किए। सेल कंपनी मतलब समझा रहे, फर्जी कंपनी। नहीं सुना कभी फर्जी कंपनी को बंद किए, फर्जी कंपनी को पर अटैक किए? इन लोग सुना है? बोला जी लोग सुना है भाषण वगैरह में, बात बात को पता नहीं क्या सुनता, खाली डिमोनेटाइजेशन ही सुनता है। बोला कभी आदमी वापस से बंद कर दे? हाथ जोड़ो जिन लोग सुना है, इतना कंपनी, फलाना कंपनी बंद किए, ये कंपनी बंद किए। ज्यादा आजकल कंपनी खुलता नहीं है, बंद होता है। नहीं समझा? तो हम लोग को ज्यादा क्या चाहिए? बंद करने वाले लोग ज्यादा चाहिए। तो ऑफिस लिक्विडेटर एक तो ज्यादा रखा गया, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। ये परमानेंट है क्या कि जितना सरकार को उचित लगे? समझा? तो फ्लक्चुएट होता था। राइट नाउ 22 और 23 है, ओके। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बोलो। मोदी जी का सपना है ईज ऑफ। उन्होंने क्या किया ना, आरओसी को बोला, ए आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, तुम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट कितना दिन में करते हो? बोला सर महीना भर के अंदर कर देते हैं। एक महीना में सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हो जाता है, इसको एक दिन में करो। अब तो समझता है मोदी जी को, सनक चढ़ जाता है। अरे समझ में आ रहा है? सनक चढ़ जाता है, एक दिन में करो। बोला हम लोग से नहीं होगा एक दिन में। एक दिन में फिजिकली कभी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। तो आरओसी के अंडर ही एक और डिपार्टमेंट खोला गया, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। बोलो, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये एक दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके नक्की करता है इलेक्ट्रॉनिकली, कहीं जाना वाना नहीं होगा। एक दिन में आप ऑनलाइन कंपनी इनकॉर्पोरेट करके नक्की कर सकते हैं। तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में तुमको कंपनी खोल खोल करके दिखाएंगे। नहीं समझ में क्या बोले? मतलब तुमको जब चैप्टर का प्रोविजन पढ़ाएंगे ना, तो तुम कंपनी खोल सकोगे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम एक प्रैक्टिकली कंपनी खोलते हैं हर टर्म में। पिछले टर्म में 2 कंपनी खोले, ठीक है, इस बार 4-5 कंपनी खोलेंगे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? नहीं फर्जी नहीं, उसको डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। फर्जी नहीं, तुमको हम स्यू कर देंगे। उसको डोरमेंट कंपनी बोलते हैं, जो कंपनी खोल करके रख देना, रिटर्न वगैरह जमा करना, उसको क्या बोलते हैं? डोरमेंट कंपनी। वो सेक्शन 455 में आएगा, 455। सर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। डोरमेंट कंपनी जानना चाहिए ना। देखो डेफिनेशन में सेक्शन 455 खोलो ना, डेफिनेशन में सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी दिखाई देगा, जहां डेफिनेशन खत्म हो रहा है। पहला चैप्टर का लास्ट पेज, फर्स्ट चैप्टर लास्ट पेज। किसी को मिला पेन नंबर बताओ? 15, पेज 15, पेज 15 रे, देखना नीचे देख, डोरमेंट कंपनी दिखा, सेक्शन 455 दिखा क्या? सेकंड लास्ट डेफिनेशन होगा और लास्ट में निधि कंपनी होगा, सेक्शन 406। तो ये सब भली सिलेबस में नहीं है, बट ये सब कंपनी का नाम है, समझना पड़ता है, नहीं तो फिर ये बच्चा बोलेगा फर्जी कंपनी है। समझाया? तो फर्जी कंपनी अलग है, डोरमेंट कंपनी अलग है, ठीक है सर? चुप हो जाइए, इमोशनल मत होइए। अब बताओ आरओसी के अंडर भी कोई है क्या? हाँ, कौन है? सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सर ये कितना टो है? ये कितना टो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। सेंट्रल मतलब तो एक ही होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर कितना सारा सेंट्रल गवर्नमेंट है? एक ही होगा। सीआरसी किसके अंडर काम करता है? और आरओसी कितना है? 22। ओएल कितना है? 23। ये 22 आरओसी 23 ओएल कहां पर है? और आरडी कितना है? 7। और ये 7 आरडी किसके अंदर काम करते हैं? पूरा ढांचा समझ में आया मेरे बच्चों को? पूरा ढांचा क्लियर है? पेन डाउन द लेक्चर, ओपन योर कॉपी।
कॉपी खोल लो और चालू करो. हेडिंग दे देना कंपनी लॉ इंट्रोडक्शन. लास्ट क्लास हेडिंग था लॉ इंट्रोडक्शन, आज है कंपनी लॉ इंट्रोडक्शन. सुबह पढ़ा रहे थे लग गया. पढ़ाते समय हाथ वाथ हिलाते हैं ना, सामने वो रखा हुआ था और जो लग गया था. अभी ठीक है. हेडिंग दिया कंपनी लॉ इंट्रो. पॉइंट नंबर वन, पॉइंट वन में जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो कॉपी करेंगे मेरे बच्चे. थोड़ा डार्क ब्लैक मार्कर लेकर के आओ, कॉपी कर लो. जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग पूरा फुल फॉर्म लिखोगे तुम. मेरे को एग्जेम्पशन है, हम जीएमबीएम लिख सकते हैं. तुम पूरा लिखोगे जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग, नहीं तो गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग लगेगा. जनरल मीटिंग के ब्रैकेट में ये मीटिंग ऑफ किसका है? शेयर होल्डर्स. मीटिंग ऑफ जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ शेयरहोल्डर्स लिख दिया. बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स. जनरल मीटिंग कितना होता है? पूरा पूरा लिखोगे. एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग. क्लास मीटिंग के ब्रैकेट में लिख दो. ईजीएम ऑफ पर्टिक्यूलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स. EGM of particular class of shareholders. So general meeting क्या चीज का? Meeting of किसका? Shareholders. AGM साल में कितना बार होता है? एक बार. EGM कितना बार भी. Class meeting क्या होता है? EGM class meeting is nothing but EGM. EGM of particular class of shareholders. पक्का? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? क्या आपको types of general meeting आ गया? कभी मत बोल देना अभी तक आ गया, खाली नाम पता चला है. हे भगवान, माई गॉड, आज खाली इंट्रोडक्शन में वर्ड्स सीख रहे हैं, ढांचा सीख रहे हैं. एजीएम इज गवर्न्ड बाई सेक्शन नंबर 96. सेक्शन 96 पढ़ेंगे तब जाकर के एजीएम समझ में आएगा. आज तो खाली नाम पता चला है, कब करना है, ड्यू डेट पता चला. अरे 30th September, क्या बात है, आई एम इंप्रेस्ड. बट एग्जैक्ट ड्यू डेट नहीं पता अभी आपको. तो अभी आपको टाइप्स ऑफ मीटिंग नहीं आता, खाली नाम आता है. समझा? डिटेल प्रोविजन एजीएम का बताओ, सेक्शन नंबर 96. जब आएगा तब याद हो जाएगा. मेरा जिम्मेदारी है सेक्शन नंबर प्रोविजन सब दिमाग में बिठा देंगे. ईजीएम सेक्शन 100, क्लास मीटिंग नो सेक्शन, गवर्न बाई 100 ओनली. ईजीएम ही है, नहीं समझा? तो इसका जो सेक्शन है वही इसका भी सेक्शन है. 100, 100 और इसका 96. लिमिट ना, खाली हम ये साबित कर रहे थे अभी आपको खाली नाम आता है. बोर्ड मीटिंग क्या लिखा? मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स. व्हाट ऐसे करके लिख दो. मिनिमम 4 टाइम्स पर कैलेंडर ईयर मिनिमम 4 टाइम्स पर कैलेंडर ईयर. बोर्ड मीटिंग का कोई टाइप नहीं होता, जैसे जनरल मीटिंग का तो नाम है ना अलग अलग, एजीएम, ईजीएम, सीएम. बोर्ड मीटिंग इज ऑलवेज अ बोर्ड मीटिंग. मिनिमम 4 टाइम्स पर कैलेंडर ईयर एंड टाइम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स. टाइम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स
should not exceed 120 days. Time gap between two board meetings should not exceed 120 days. Time gap between two board meetings should not exceed 120 days. Should not exceed 120 days. Samajh aa raha hai? 120 din se zyada gap hona nahi chahiye. Theek hai? Bracket mein likh do. Not in CA inter syllabus. Since bracket mein likh do, not in CA inter syllabus. Board meeting to apne syllabus mein nahi hai na? Not in CA inter syllabus since it starts, since board meeting starts, nahi to it tum kya samjho kya pata? Since board meeting starts from section 173. Since board meeting starts from section 173. And in our syllabus only section 1 to 148. Likh do na? Likh do ek bar aur. And in our syllabus only section 1 to 148. Board meeting starts from section 173. And in our syllabus only section 1 to 148. Move on. Para number. Ye para 1 ho gaya na? Para 2. Point number 2. Meetings are called to take. Meetings are called to take decisions. Meetings are called to take decisions by passing. Dekho, meetings are called to take decisions by passing resolutions. Meetings are called to take decisions by passing resolutions. अब जहां आपने resolutions लिखा है ना, वहां से दो ठो arrow टान देंगे. एक में लिखोगे ordinary resolution, एक में लिखोगे special resolution. Hey, meetings are called to take what? Decisions by passing. रेजोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनेशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. लिख दिया. अब इसके नीचे एरो देकर के लिख दो. वोट्स इन फेवर जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए वोट्स अगेंस्ट से. हाँ, वोट्स इन फेवर ज्यादा होना चाहिए वोट्स अगेंस्ट से. स्पेशल रेजोल्यूशन, वोट्स इन फेवर at least 3 times of votes against. ठीक है, यहां लिख दो सिंपल मेजोरिटी. ओआर में सिंपल मेजोरिटी और एसआर में 75% मेजोरिटी. Done क्या? Done boys and girls? All done? Para number 3. जदिन तुम्हारा problem solve हुआ? हाँ? Mail का reply आया? Register हो गया है? कोई दिक्कत का बात? नहीं है. और रसल सीट गए पास तो जाना था ना, आज जाना है. बहुत बार क्या होता है एग्जाम फॉर्म में जो है ना, एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हम लोग भरते हैं तो कुछ गलत भर देते हैं. आजकल तो ऑनलाइन सबमिशन है ना, तो गलती तो हो ही सकता है. तो अगर ऐसा किसी से गलती होता है तो इंस्टीट्यूट है ये सब सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जो भी आप लोग को ईमेल आईडीज दिया गया है इंस्टीट्यूट मैट में, वो ईमेल आईडीज में सब में आप ईमेल करो, सब में, एक को भी मत छोड़ो. और हमेशा ना सीसी करना,
मतलब पता चले कि तुमको ईमेल किए हैं और आगे भी जो है ना सीसी हुआ है ये, ताकि वो हरकत में आए. अगर खाली तुमको ईमेल करेंगे वो सोचेगा क्या पता, मतलब रहने दो, किसको पता चलेगा सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है. बट सीसी अगर रहेगा तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा. और फिजिकली तो हम लोग मौजूद हैं रसल शीट में, चले जाइए वहां पर, क्या दिक्कत है. समझा? अच्छा, वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट सिंपल मेजोरिटी. यहां पर 75% मेजोरिटी. पैरा नंबर कौन सा? पैरा 3. मेरे को बता देना फिर क्या हुआ. पैरा 3 में लिखो, ठीक है. पैरा 1 में तो मैंने मीटर बारे में चर्चा किया, जीएम पीएम. पैरा 2 में ओआर एसआर. समझो पैरा 3 में क्या आने वाला है. ओबीएस भी आने वाला है. पैरा 3 में लिखो, टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर्स, टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर्स आर ट्रांजेक्टेड इन जनरल मीटिंग. टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर्स आर ट्रांजेक्टेड इन जनरल मीटिंग. टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर्स आर ट्रांजेक्टेड इन जनरल मीटिंग. बोले टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर्स आर ट्रांजेक्टेड इन जनरल मीटिंग, ठीक है. जहां टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर लिखे वहां से दो एरो टान दो. ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस. टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर्स आर ट्रांजैक्टेड इन जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस. ऑर्डिनरी बिजनेस में ओनली 4 मैटर्स. लिखो ओनली, ए अड्डा नहीं बेटा, पूरा लिखना होगा. ओनली 4 मैटर्स. पॉइंट नंबर 1, याद रखने का तरीका ठीक है. पॉइंट 1 में पूरा लिखो, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स कॉमा ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट. कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स कॉमा ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट. जाने दो भाई. कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स कॉमा ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट. ब्रैकेट में क्या लिख दोगे उसके? कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑडिटर्स रिपोर्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट के ब्रैकेट में लिख दोगे ए, कैपिटल ए. पॉइंट नंबर 2 में लिखो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. थोड़ा फास्ट लिखो दोस्तों. पॉइंट नंबर 2 है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ब्रैकेट में डी लिख दो. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या लिखा? डी. फिर पॉइंट नंबर कौन सा? 3 में लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग. हाँ बताओ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग क्या लिखोगे ब्रैकेट में? डी. पॉइंट नंबर 4, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर रेमुनरेशन. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए. स्पेशल बिजनेस में एरो देकर के लिख दो, रेस्ट ऑल मैटर्स. रेस्ट जितने भी मैटर्स होंगे वो सब स्पेशल बिजनेस है. रेस्ट ऑल मैटर्स. पैरा नंबर कौन सा? पैरा 4 में लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी. पैरा 4 में, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओबी विल ऑलवेज रिक्वायर ओआर. It is not necessary that OB will always require OR. It is not necessary that OB will always require OR. बात हुआ था ना हम लोग का, क्या ऑर्डिनरी बिजनेस का जो अड्डा उसमें हमेशा OR ही पास होगा? नहीं. And SB will always require SR. It is not necessary that OB will always require OR and SB will always require SR. It is not necessary that OB will always require OR and SB will always require SR.
ऐसा जरूरी नहीं है. पैरा नंबर कौन सा? पैरा 5 में लिखो ओबी डेट इज अड्डा. थोड़ा फास्ट लिखो ओबी डेट इज अड्डा. पैरा 5 में ओबी डेट इज अड्डा कैन बी ट्रांजेक्टेड. ओबी डेट इज अड्डा कैन बी ट्रांजेक्टेड ओनली एट एजीएम. ओबी डेट इज अड्डा कैन बी ट्रांजेक्टेड ओनली एट एजीएम. ओबी डेट इज अड्डा कैन बी ट्रांजेक्टेड ओनली एट ए जी एम. बट एस बी ओबी खाली कहां लगेगा एजीएम. बट एस बी कैन बी ट्रांजेक्टेड इन एनी जीएम. बट एस बी कैन बी ट्रांजेक्टेड इन एनी जीएम. एस बी कैन बी ट्रांजेक्टेड इन एनी जीएम इंक्लूडिंग एजीएम. एस बी कैन बी ट्रांजेक्टेड इन एनी जीएम इंक्लूडिंग एजीएम. ठीक है, उसी पॉइंट में लिख दो, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करके, पॉइंट नंबर चेंज मत करना. एजीएम में ओबी एसबी दोनों लग सकता है ना. बट एनी अदर जनरल मीटिंग में खाली क्या लगेगा बताओ? एसबी. कॉपी कर लो. एजीएम के अंदर ओबी एसबी दोनों, बट एनी अदर जनरल मीटिंग में खाली एसबी. इज इट डन? पैरा नंबर कौन सा? पैरा 6 में इसको लिख लो ना. मशीनरी ऑफ लिक बॉडीज ऑफ कंपनी लो. सर ये तो लिखा हुआ है. अरे यार वो तो लॉ का है. बॉडीज तो सेम रहेंगे बट अंदर के तो सेम अलग रहेंगे ना. मशीन ऑफ बॉडीज ऑफ कंपनी लॉ. लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियल बॉडी. लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या काम? लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या काम है? टू मेक द लॉ. वो नहीं लिखवा रहे, वो तो लिखा हुआ है ना टू मेक द लॉ. कौन कौन है बताओ? पार्लियामेंट. ऐसे लिख देते हैं. ठीक, ऐसे लिख दो ना. पार्लियामेंट ब्रैकेट में बताओ एक्ट. सीजी ब्रैकेट में बताओ रूल्स. प्रेसिडेंट. अच्छा गवर्नर भी तो पास कर सकता है. नहीं यहां तो नहीं, यहां तो नहीं. ये यूनियन लिस्ट का मैटर है. इट्स अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट. ऑथोरिटी के ब्रैकेट में क्या? एग्जीक्यूटिव में कौन है बताओ? एमसीए. जुडिशियल में एनसीएलटी, एनसीएलटी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही. सुप्रीम कोर्ट हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं, हम केवल कंपनी लॉ से स्पेसिफिक लिख रहे हैं अभी. केवल कंपनी लॉ. सुप्रीम कोर्ट में कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में अपने सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा ही सकते हैं. नहीं समझा? बट बाद बाकी लॉ में भी जा सकते हैं. तो एक बार केवल एक्सक्लूसिवली कंपनी लॉ से रिलेटेड लिखते हैं. बताओ क्या? एनसीएलटी, एनसीएलटी. एक और का पैनल होता है, मीडिएशन एंड कंसीलिएशन पैनल. जब जज लोग के पास टाइम नहीं रहता ना, उन लोग इस पैनल को केस रेफर कर देता है अपना ओपिनियन देने के लिए. बट ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है. NCLT, NCLAT have got more power than mediation and conciliation panel. तुम्हारे 1 से 148 में mediation and conciliation panel में कुछ refer नहीं किया जाएगा. नहीं समझ में आया? मतलब तुम इसका नाम इंटर पे सुनने वाले नहीं हो. mediation and conciliation panel, ये है क्या सर? mediation and conciliation panel, जब जज लोग के पास समय नहीं रहता, एक पैनल बनाया हुआ है. mediation and conciliation panel CG का बनाया हुआ है. वो हम लोग केस रेफर कर देते हैं कि भाई तुमको क्या लग रहा है, एक बार अपना ओपिनियन दो. सुना? बढ़िया. पैनल का ओपिनियन बाइंडिंग? नॉट बाइंडिंग. इट्स नॉट बाइंडिंग. इट्स जस्ट अ एक्सपर्ट लोग का पैनल फ्रॉम विच वी कैन सीक एन ओपिनियन. बोल सकते हो, बच्चा बोल रहा है सर जैसे कोर्ट में होता है ना जूरी. नहीं समझाया? बट कोर्ट में ना पहले जूरी होता था,
ठीक है, अब नहीं होता. जब हम लोग जूरी से क्या लेते थे, ओपिनियन. अब यहां तक क्लियर है क्या? फिर पैरा नंबर कौन सा? पैरा 7 में अकेला एमसीए को लिखो थोड़ा फास्ट. हाँ बच्चों, पैरा 7 में क्या लिखा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स डिवाइडेड, लिखते चलो, डिवाइडेड इंडिया इंटू 7 जोन्स. नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है. नॉर्थ ईस्ट में वो शिलोंग, नॉर्थ वेस्ट में कौन था? अहमदाबाद. साउथ ईस्ट में कौन था? हैदराबाद. एमसीए डिवाइडेड इंडिया इंटू 7 जोन, वो 7 जोन लिख दिया. कहां कहां पर है लिख दिया. एंड इन ईच जोन अपॉइंटेड, क्या बताओ ना, रीजनल डायरेक्टर. बताओ कितना रीजनल डायरेक्टर है टोटल? 7 आरडीज हैं, ठीक है. अब रीजनल डायरेक्टर के अंदर 22 आरओसी है और 23 ऑफिशियल लिक्विडेटर है. इसका क्या काम है आरओसी का? इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट फाइलिंग. और आरओसी के अंदर क्या खोला गया है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर. बाईस आरओसी है उसके अंदर. अब बाईस आरओसी क्या काम करेगा? इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट फाइलिंग ना, और इसके अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर. सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर का क्या काम है? इनकॉर्पोरेशन. सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर का क्या काम है? इनकॉर्पोरेशन. और जो इलेक्ट्रॉनिकली लगा रहे हैं, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है. सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ब्रैकेट में इनकॉर्पोरेशन और 23 ओएल के ब्रैकेट में टू वाइंड अप. और ये सब सारा लिख लिया. आज का आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा? 8. 2 मिनट का बस. टाइप, बस लिखते चलो, टाइप मेंबर्स डायरेक्टर्स मिनिमम मैक्सिमम. टाइप है ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. खुद से भर लो. एक मिनट का.
कितना कितना लिखा? यहां वन, यहां टू, यहां सेवन, यहां वन, 200 अनलिमिटेड, 1, 2, 3 यहां पंद्रह पक्का तो बाबा। अच्छा बाईपासिंग एसआर इंजीनियर डायरेक्टर ग्रेटर देन 15 लिखो, बाईपासिंग एसआर इंजीनियर डायरेक्टर ग्रेटर देन 15 हो सकता है ना? अरे एसआर पास करके 15 से ज्यादा, कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन में दो पॉइंट और बाकी है, वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट नेक्स्ट क्लास का भी सुन लो। कमिंग वीक में, क्योंकि अभी रिजल्ट्स निकला है, तो मेरा अमेंडमेंट क्लासेस रहेगा, जिन लोग क्लियर नहीं कर सके उन लोग के लिए अमेंडमेंट क्लास लेते हैं फॉर मे 19 टर्म। सो कमिंग वीक में आई एम वेरी वेरी बिजी विद द अमेंडमेंट क्लासेस, बट जैसा हो गया था 8 क्लास फरवरी एंड तक हो जाएगा, वो पक्का हो जाएगा। अभी आप लोग मंडे ही आ रहे हैं, व्हेन आर यू कमिंग नेक्स्ट मंडे? को इंट्रोडक्शन होगा कि चैप्टर? दो पॉइंट इंट्रोडक्शन का खत्म करेंगे, फिर चैप्टर। मंडे 11:30 PM 11 AM 5:30 PM ठीक है, बोथ आर लाइव ऑप्शन। थैंक यू, बाय बाय।